देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और yes, तो हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ रहे थे ठीक है दैट इज जेल का कि जे को अगर हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है तो पहले तो मैंने तुम लोग को ये सिखाया था कि जेल क्या होता है ठीक है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ठीक है जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी का होता है तो हमें दो इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने से हमें दो वैल्यूज मिलेंगे ठीक है गया नहीं ठीक है दो वैल्यूज मिलते हैं या तो सरेंडर वैल्यू या तो पॉलिसी वैल्यू ठीक है मतलब सरेंडर वैल्यू तब मिलता है अगर डिसकंटिन्यू करते हैं और अगर हम लोग पूरा पॉलिसी वैल्यू पूरा पॉलिसी को चला लेते हैं तो पॉलिसी वैल्यू मिल जाता है या फिर डेथ होने पे मिलता है ठीक है तो ये कंसेप्ट था और ये टर्म पीरियड के लिए होता है कोई भी लाइफ पॉलिसी जैसे कि पांच साल दस साल आठ साल जो भी होगा तो यहाँ पर हम लोग पार्टनर लोगों के बेसिस पे पढ़ रहे थे कि अगर पार्टनर लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रहे हैं और उसका प्रीमियम बिजनेस से पे कर रहे हैं तो उसका जैसे कि प्रीमियम इज पेड एज एन एक्सपेंस वेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट और आज हम लोग पढ़ेंगे When premium paid is treated as an asset and liabilities, यानी कि asset and reserve, ठीक है अगर हम लोग इसको asset और reserve दोनों के तरह treat करें तो क्या होगा तो पहले ये ये दो तो हम लोगों ने सीख लिया था अब हम लोग ये लास्ट वाला जो है ये करेंगे ठीक है तो एक बार हम रिकॉल करवा देते देखो जब हम लोगों का प्रीमियम पेड एज एन एक्सपेंस ट्रीट होता है ठीक है तब हम लोग क्या करते हैं सिंपल एक्सपेंस जैसे प्रीमियम पे हुआ हुआ और उसके बाद अगर बीच में रिटायरमेंट हो जाता है तो सरेंडर वैल्यू मिलता है वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अगर डेथ हो जाता है तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिंपल तरीका ठीक है लेकिन अगर हम लोग उसे एसेट की तरह ट्रीट करते हैं तो हम लोग पूरा प्रीमियम पीएल में चार्ज नहीं करते हैं सरेंडर वैल्यू जितना मिलेगा उतने का एसेट बना लेते हैं और बाकी का हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो इसीलिए जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सरेंडर वैल्यू इनकेस ऑफ रिटायरमेंट और जो की है पॉलिसी वैल्यू इनकेस ऑफ डेथ तो उसमें क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सरेंडर वैल्यू जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है उससे बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ठीक है ये समरी भी मैंने लिखवा दिया था मेन मेन हमें जो भी याद रखना है जेएलपी एज एन एसेट का ठीक है अभी आज हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट ट्रीटमेंट uh, है वो हम लोग पढ़ेंगे जेएलपी एज एन रिजर्व ठीक है जेएलपी एज रिजर्व एलपी एस रिजर्व देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा तो सेम एग्जाम्पल ही लेंगे जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे ना तीन साल का ये देखो यहां पर लिखेंगे ईयर ठीक है यहां पर लिखेंगे प्रीमियम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है यहां पर प्रीमियम टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड सरेंडर वैल्यू सरेंडर वैल्यू पहले साल कुछ नहीं दूसरे साल एट थाउजेंड एंड थर्ड ईयर में फिफ्टीन थाउजेंड सेम एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहां पर लिख लेते हैं पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म तीन पार्टनर का है ए बी सी ठीक है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम सेम रखेंगे फाइव इज टू Two, से जैसा हम लोग पहले क्वेश्चन में करते हुए मतलब पूरा पॉलिसी चला लेते हैं या फिर डेथ हो जाता है तभी ना पॉलिसी वैल्यू मिलता है पॉलिसी वैल्यू मान लेते हैं कि वन लाख रुपीज है ठीक है अच्छा अब सेम एग्जांपल लिया है लेकिन अगर हम लोग जेएलपी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अगर हम लोग रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं तो हम लोग का क्या ट्रीटमेंट कैसे होगा तो सबसे पहले ईयर वन का एंट्री दिखाते हैं ईयर वन में हमारा एंट्री कैसे होगा तो ईयर वन में एंट्री कुछ इस तरह से होगा जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट गुड इवनिंग सोम गुड इवनिंग गुड इवनिंग अच्छा देखो जस्ट इतना सा ही लिखा है मैंने वही सेम क्वेश्चन का जो है वो जेल पे एज एन रिजर्व वही दिखाएंगे सेम एक्साम्पल जो लास्ट क्लास से लिखते हुए आ रहे हैं जस्ट उतना ही लिखा है अभी ट्रीटमेंट बता रहे हैं ठीक है थीके? अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया बता रहे हैं कि कैसे ट्रीटमेंट होगा सेम एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर लो जो अभी हम लोगों ने लास्ट दिन दो ट्रीटमेंट जो था उसमें जेल पे एज एन एक्सपेंस और एसेट में किया था सेम चीज ठीक है तीन ईयर प्रीमियम टेन 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 सरेंडर वैल्यू एट थाउजेंड थाउजेंड ठीक है अब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ज्वाइन लाइफ पॉलिसी प्रीमियम जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं टेन थाउजेंड ठीक है टू बैंक टेन थाउजेंड सेकेंड एंट्री क्या होगा ये तो फर्स्ट एंट्री ईयर वन का सेकेंड एंट्री ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम फर्स्ट एंट्री ना हर एक केस में एक ही जैसा हो रहा है क्यों क्योंकि देखो एक्सपेंस में तो ये होता ही है एसेट वाले में क्या होता था हम लोग सरेंडर वैल्यू जितना है उतना मिलेगा ये मान के एक्सपेंस uh, का अमाउंट कम कर देते थे क्योंकि फर्स्ट ईयर कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है मतलब सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं है इसी वजह से एंट्री में भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो ये एंट्री सेम हो गया अब हम लोग ईयर टू का एंट्री करके दिखाते हैं ईयर टू में क्या होगा हम लोग फिर से प्रीमियम भरेंगे जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जेल पी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टेन थाउजेंड टू बैंक ये तो नॉर्मल है एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो जैसा एंट्री होना चाहिए वैसा ही एंट्री कर दिया मैंने ठीक है अच्छा अब यहाँ पर भी ना देखो जेल पे एज एन रिजर्व जो है इसमें देखो मैंने अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में एसेट लाइबिलिटी दोनों ही लिखवाया था ये देखो जो ट्रीटमेंट मैंने लास्ट दिन करवाया था ये देखो जेल पे एज एन एसेट और ये है एसेट एंड रिजर्व रिजर्व यानी कि एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों होगा तो एसेट वाला कंसेप्ट पॉइंट टू का था वो तो रहेगा ही रहेगा उसके साथ एक लाइविलिटी कंसेप्ट भी जेनरेट होगा तो एसेट वाले कंसेप्ट में क्या था देखो दोबारा वो वाला चीज रिपीट हो जाएगा पहला वाला तो बहुत ही आसान होता है पहला जो कंसेप्ट है एसेट ट्रीट में क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि सेकेंड ईयर में प्रीमियम पे करने के बाद फॉर सम रीजन अगर हम लोग डिसकंटिन्यू करते इस पॉलिसी को हमें एटलीस्ट एट तो मिलेगा ही तो एसेट ट्रीट करने का मतलब होता है जितना हमें मिलेगा उतना हम लोग एसेट बना लेंगे और प्रीमियम में बाकी पोर्शन को हम लोग एक्सपेंस दिखाएंगे तो का हम लोगों ने दो पार्ट किया था एट थाउजेंड का एसेट बना लेंगे टू थाउजेंड का एक्सपेंस क्योंकि कुछ भी हो क्यों ना जाए सेकेंड ईयर में टेन पे करने के बाद इंश्योर अगर हम लोग इंश्योरेंस को डिसकंटिन्यू करते हैं तो कंपनी हमें इंश्योरेंस कंपनी में एट तो देगी ही देगी तो हम लोग एट का एसेट क्रिएट करते हैं ठीक है तो यहां पर भी वही होगा क्योंकि जी एलपी एज एन रिजर्व में एसेट का पार्ट भी एडेड होता है ठीक है तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर पीएल अकाउंट डेबिट पीएल में कितना चार्ज करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम बोल के पे प्रीमियम बोल के मुझे चार्ज करना है टेन थाउजेंड की जगह टू थाउजेंड ये मान के कि जो आ, एसेट है वो एट थाउजेंड का क्रिएट हो रहा है ठीक है अच्छा जो एसेट क्रिएट हो रहा है उसे कैसे लिखते हैं सेम उसी तरह से लिखेंगे पे अकाउंट डेबिट टू पे प्रीमियम पे प्रीमियम ठीक है एट थाउजेंड एट थाउजेंड का हम लोग इसका क्या बना देंगे एसेट बना देंगे तो ये तो सेकेंड वाले मेथड के तरह ही हो गया पूरा एंट्री हाँ बिल्कुल सेकेंड वाले मेथड के तरह ही हुआ है लेकिन इसका प्रेजेंटेशन देखो कि पीएल और पीएल एप्रो में क्या जो है इसका इम्पैक्ट आएगा दिखाते हैं देखो जैसे ईयर वन में अगर देखे ईयर वन में चलते हैं ईयर वन का अगर पीएल और बैलेंस शीट देखे यहाँ पर मान लो पीएल बना रहे ठीक है तो यहाँ पर पीएल कैसे बनेगा टू ठीक है और यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएगा क्योंकि ये पहले बार कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख रहा है अच्छा सेकेंड ईयर मतलब ईयर टू ठीक है ईयर टू यहाँ पर यहाँ से करके दिखाते ठीक है ईयर टू का जो हम लोगों का पीएल है वो कैसे दिखेगा देखो ईयर टू का पीएल हम लोग का ऐसे दिखेगा टू जे एल पी प्रीमियम टू थाउजेंड ठीक है टू जे एल पी प्रीमियम टू थाउजेंड दिखेगा अच्छा और इसके बाद जैसे पार्टनरशिप में पीएल के बाद और एक पीएल बनता है जिसका नाम होता है पीएल एप्रोप्रिएशन ठीक है दोनों में फर्क क्या है पीएल है बिजनेस के एक्सपेंसेस को दिखा के बिजनेस करके कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एंड पीएल पीएलेशन ये बताता है कि बिजनेस करके जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो पार्टनर लोग अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अगर तुम लोग के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ये पार्टनरशिप में पीएल बनता है जो हम लोग सोल प्रोपराइटर करते हैं वहां क्यों नहीं बनता है वहां किसी को बांटने का जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है क्योंकि एक ही पर्सन है जो उस बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है ठीक है तो वो प्रॉफिट पूरा ही उसका हो जाता है इसलिए नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है उसका राइट किसी एक पर्सन का नहीं है अगर पार्टनरशिप है तो कम से कम दो लोग तो होंगे तो दो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया जाता है ठीक है तो अब जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं सपोज की यहाँ पर हम लोग का जो पीएल है ये इतना है ठीक है तो सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पीएल एप्रो फिर कितना होगा पीएल एप्रो में यहाँ पर हम लोग एक जेल पे रिजर्व क्रिएट करेंगे ठीक है जेल पे रिजर्व बताते हैं जेल पे रिजर्व ये कितने से क्रिएट होगा 8000 से ठीक है जेल पे रिजर्व 8000 से क्रिएट करना पड़ेगा मतलब सीधा सा बात इतना है कि जितने का हम लोग जितने का हम लोग जेल हमें पे रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा और बैलेंस शीट जो बनेगा ना सेकेंड ईयर में वहां पर पे का एसेट दिखेगा पे सरेंडर वैल्यू में एसेट दिखेगा एट थाउजेंड और जेल पे रिजर्व भी दिखेगा एट थाउजेंड ठीक है जेल पे रिजर्व भी दिखेगा एट थाउजेंड ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा कि रिजर्व भी क्रिएट होगा एसेट के साथ साथ मतलब एसेट वाला तो है रिजर्व रिजर्व भी भी क्रिएट क्रिएट होगा कहां से होगा से पर जो नेट प्रॉफिट आएगा ना जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पर कुछ एक इनकम होगा वहां से ये एक्सपेंस माइनस होने के बाद कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट आएगा जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इनकम आएगा ना फिर वो इनकम यहाँ पर एड होके यहाँ पर बैलेंस होके नेट प्रोफिट आएगा अब ये जो नेट प्रॉफिट आएगा वहां से 8000 का यहां पर रिजर्व क्रिएट होगा उतना ही रिजर्व क्रिएट करना है उसके बाद पार्टनर लोगों में, में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहां पर ये चेंजेस हमें देखने को मिलेगा तो बैलेंस शीट में जेल पे रिजर्व दिखेगा और बैलेंस शीट पे जेल पे बोल के सरेंडर वैल्यू पे भी दिखेगा और पीएल इतना दिखेगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें सेम अमाउंट का जितने का एसेट बनेगा उतने का रिजर्व क्रिएट करना है और वो रिजर्व क्रिएट कहाँ से करना है नेट प्रॉफिट से ठीक है नेट प्रॉफिट से उतना अमाउंट विदड्रॉ करके करना है इसका मतलब यहाँ पर जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कम हो जाएगा कैसे कम होगा हम कंपेयर करके तीनों मेथड को यहाँ पर बताते हैं देखो जैसे पहले मेथड में हम लोग का क्या हो रहा था पहले मेथड में यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड दिखाते हैं ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं जीएलपी एस एक्सपेंस उसमें कैसे हो रहा था देखो उसमें सपोज यहाँ पर पीएल बन रहा है ठीक है और हम इनकम ले लेते हैं वन लैख ठीक है इनकम है सपोज वन लैख ठीक है यहाँ पर जेएलपी प्रीमियम टेन थाउजेंड ठीक है सेम एग्जांपल पे दे रहा है मान लो यही वाला एग्जाम्पल तो मैंने हर जगह पे करवाया ना सेकेंड ईयर का दिखा रहे हैं. कि अगर हम लोगों का एक्सपेंसेस क्योंकि सेकेंड ईयर का क्यों दिखा रहे हैं बात समझो हर जगह पे फर्स्ट ईयर तो एक ही जैसा हो रहा है बिकॉज सरेंडर वैल्यू नील है तो कंपेयर कैसे करेंगे कंपेयर करके मुझे समझाना है तो सेकेंड ईयर का इम्पैक्ट ही दिखाना है तो जेल पे एज एन एक्सपेंस में सेकेंड ईयर में हम दिखा रहे हैं कि इतना तो नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का नाइनटी ठीक है फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पीएल एप्रोप्रिएशन जो बनेगा वहां पर इस नेट प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा पार्टनर लोगों में ठीक है नाइन्टी थाउजेंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ए टू बी टू सी ठीक है क्या बाकी इसमें कुछ नहीं आता है आता है ना अगर कुछ रहेगा सैलरी वगैरह वो तो आएगा लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी तो हम लोग जो है ट्रीटमेंट सीख रहे हैं जेएलपी का तो हम सिर्फ जे पी दिखा रहे हैं नाइनटी थाउजेंड और रेशियो ना हम वही वाला ले रहे हैं फाइव इंसू थ्री इंस टू टू ठीक है तो नाइनटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव इंस टू थ्री इंस टू टू यानी कि टेन इंटू फाइव तो ये हो गया देखो फोर्टी फाइव थाउजेंड लास्ट दिन का अगर तुम लोग देखो कि मैंने यही सब चीज दिखाया था फोर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन थाउजेंडिड बाई थ्री इंटू टू एन थाउजेंड ठीक है ये हो गया हम लोग का अगर जीएलपी एज एन एक्सपेंसेस है तो उस केस में हम लोग का प्रॉफिट ऐसे बटेगा पार्टनर लोगों में अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर जीएलपी एज एन एसेट है सिर्फ एज एन एसेट है तो कैसे बनेगा तो सेकेंड ईयर वाला ट्रीटमेंट देखो क्या होगा पीएल हम सेम डेटा लेंगे सेम तरीके से करेंगे इनकम वही ले लेते हैं कि इनकम हम लोग का वन लेख है ठीक है प्रीमियम हम लोगों ने जो भरा है क्योंकि एसेट जब ट्रीट करते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं कि एक्सपेंस हम लोग पूरा टेन थाउजेंड नहीं दिखाएंगे अगर कोई सरेंडर वैल्यू है तो हम लोग सरेंडर वैल्यू से उस एक्सपेंस को लेस करके क्योंकि हम लोग एट थाउजेंड हमें मिलेगा ही ये मानते हुए हम लोग एक्सपेंस बाकी अमाउंट को दिखाएंगे तो यहाँ पर हम लोग जेल प्रीमियम कितना दिखाते हैं जेल प्रीमियम दिखाते हैं टू थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पर हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना बनेगा एट थाउजेंड ज्यादा होगा यहाँ नाइनटी यहाँ 98000 एट थाउजेंड ठीक है अच्छा अब ये नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन बोल के हम लोग के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ठीक है पीएल अप्रोप्रिएशन बोल के बाई नेट प्रॉफिट 98000 एट टू ए टू बी टू सी तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नाइनटी एट थाउजेंड एट थाउजेंड अच्छा अब इसका डिस्ट्रीब्यूट कर लो नाइनटी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन इंटू फाइव तो ये हो गया फोर्टी नाइन बाय 5 फाइव इंटू ये हो गया 29,400 डिवाइडेड बाय 3 इंटू टू ये हो गया 19,600 ठीक है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा अच्छा और यहां पर बैलेंस शीट कैसे दिखेगा यहाँ पर बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखेगा जे बोल के सरेंडर वैल्यू दिखेगा इसको लिखने का मतलब है एट थाउजेंड को ब्लॉक कर लेना ठीक है एट थाउजेंड इसका मतलब पार्टनर लोगों में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है देखो कैसे सेम सेम एग्जाम्पल सेम डेटा में जहां नाइन्टी थाउजेंड एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां नाइन्टी एट थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेकिन क्या इस इस पॉलिसी में इसका मतलब इनको प्रॉफिट कम मिलता है ए को फोर्टी फाइव यहाँ पर ये पॉलिसी लेने से फोर्टी नाइन नहीं ऐसा बात नहीं है ये तो मैंने तुम लोग को कंपेयर करके समझाया था ना ऐसा नहीं है क्यों नहीं है देखो यहाँ पर हम लोग ये दिखा रहे हैं कि एट थाउजेंड को ब्लॉक कर लिया है इसी वजह से हम लोग का प्रॉफिट नाइन्टी एट हुआ तो इनको प्रॉफिट जो है ज्यादा ज्यादा दिख रहा है इनका कम दिख रहा है मान रहे इनका कम दिख रहा है लेकिन इनको भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा कैसे मिलेगा क्योंकि जब इन, इनका मान लो सेकेंड डिसकंटिन्यू करते हैं और इनको एट का जो है सरेंडर वैल्यू रिसीव होता है तब एट थाउजेंड इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब भी ये सरेंडर करेंगे ठीक है जब भी ये सरेंडर करेंगे एट थाउजेंड इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अच्छा अगर डेथ होता है तो पूरा एक लाख मिलेगा एक लाख इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर इस केस में क्या होगा क्योंकि एट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वन लाख में से एट थाउजेंड हटा के 92,000 डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ओवरऑल 92 और 8,000 मिला के लाख ही हुआ, ठीक है? है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छा, अब यहां पर मैंने बैलेंस बैलेंस शीट शीट क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इस मेथड में का कोई नहीं आता आज जो मेथड हम लोगों ने सीखा उसका देखो, इसमें क्या करना है इसका भी हम सेकेंड ईयर से ही समझाएंगे ठीक है सेकेंड ईयर से समझाएंगे यहां पर हम लोग बनाएंगे अपना पीएल पहले अच्छा पीएल में क्या लिखेंगे हम वही लिखेंगे बाय इनकम सेम अमाउंट से समझाएंगे बाय इनकम वन लैख टू जे एल पी प्रीमियम टू थाउजेंड क्योंकि यहां पर भी एसेट मानते हैं तो इसी तरह से होता है टू नेट प्रॉफिट नाइन्टी एट थाउजेंड ठीक है अब अप्रो एल को मतलब तो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन बाय नेट प्रॉफिट दिखाया हम लोग का क्या दिख रहा होगा जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे सेकेंड ईयर पे एट थाउजेंड पे दिख रहा होगा अब रूल्स क्या है रूल्स ये है कि जितना जेएलपी एसेट बनाओगे उतना ही जेएलपी रिजर्व भी बनाओ तो कितना जेएलपी का रिजर्व जेएलपी का रिजर्व बनेगा यहां पर हम लोग का एट थाउजेंड जितना एसेट उतना ही रिजर्व रिजर्व कहां से बनाएंगे प्रॉफिट से ड्रॉ करके तो यहां पर लिखेंगे टू जे एल पी रिजर्व ठीक है रिजर्व कितने का बनाना है एट थाउजेंड ठीक है एट थाउजेंड तो प्रॉफिट कितना बचा नाइन्टी थाउजेंड अब ये पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू एबीसी में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा नाइन्टी थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है और नाइन्टी थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट होने से वैल्यूज कितने आएंगे यहां पर देख के लिख सकते हैं फोर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन एट्टी ये रहा फोर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन ठीक है इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये कंपेयर करके मैंने बताया कि कैसे करके तीनों में अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है ठीक है अच्छा अब इसमें जब मान लो कि अगर आ, आ, मतलब डेथ हो जाता है या रिटायरमेंट होता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हम लिख के दिखाते हैं और समरी भी लिख के दिखा देंगे कि क्या करना है अच्छा इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पर करना क्या होता है हम लोग यहाँ पर स्टार देख लिख लो टू द एक्सटेंट to the extent value of jlp appearing appearing in balance sheet which is surrender value which is surrender value benefit of same are not distributed distributed Partner rather accumulated as JLP reserve. ठीक है ये लिख लो अभी जब दो जो हम लोग केस करते हैं कि एक हो क्या कि रिटायरमेंट हुआ तो क्या होगा डेथ हुआ तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं फिर ये समझ जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले लिखते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ऐसे लिखो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डिसाइडेड टू रिटायर ये कौन से वाले केस के लिए कर रहे हैं जेएलपी एज एन एंड लाइबिलिटी जो आज हम लोगों ने सीखा उसमें कर रहे है. अगर ये रिटायर हो जाता है थर्ड ईयर के बिगेनिंग में तो हम लोग को क्या मिलेगा सरेंडर वैल्यू मिलेगा कितना जितने तक का प्रीमियम हम लोगों ने भरा हुआ था ठीक है थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में चला जाएगा तो एट थाउजेंड ही मिलेगा ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एट थाउजेंड टू जेएलपी ये मिल गया एट थाउजेंड ठीक है अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूट क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट कुछ ऐसे होगा जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट एट थाउजेंड टू ए टू बी टू सी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वही फाइव इज टू थ्री इज टू टू में मतलब एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन एट हंड्रेड इंटू फाइव फोर थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू थ्री टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एट हंड्रेड इंटू टू सिक्सटीन हंड्रेड ठीक है ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और अभी हम लोगों ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जेएलपी रिजर्व को अब अगर इस लाइन को पढ़ के देखोगे समझ में आएगा टू द एक्सटेंड वैल्यू ऑफ जेएलपी एपियरिंग इन बैलेंस शीट विच इज सरेंडर वैल्यू बेनिफिट ऑफ सेम आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर रेदर एकटेड जेएलपी रिजर्व ठीक है जेएलपी रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर जेएलपी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है ठीक है तो जितना रिजर्व होगा उतना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर ए रिटायर कर जाते हैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में तो क्या होगा ठीक है अच्छा अब दूसरा एक पॉइंट लेते हैं जैसे मान लो हम लोग का बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिख रहा है ठीक है बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिख रहा है जेल पी ये क्वेश्चन दे रहा है सरेंडर वैल्यू पे दिखता है लिखा रहे या ना रहे एसेट साइड में और इधर जेल पे रिजर्व है जेल रिजर्व है टेन ठीक है और पार्टनर है तीन एक्स वाई और जेड ठीक है तीन पार्टनर है अच्छा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मतलब एग्जाम में ऐसे आता है एडजस्टमेंट में पॉइंट वन एक्स डिसाइड टू रिटायर एंड पॉलिसी वैल्यू बीइंग वन ठीक है पॉलिसी वैल्यू वन लैक है एक्स ने डिसाइड किया है रिटायर कर जाएंगे तो पॉलिसी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो अगर रिटायर करेंगे तो सरेंडर वैल्यू ही मिलेगा जब तक हमारा पूरा पॉलिसी का पैसा मतलब पूरा पॉलिसी कंटिन्यू हम लोग नहीं करते हैं तब तक ठीक है तो इसमें एंट्री क्या होगा सिंपल है पहले यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो अपने तरफ से सरेंडर वैल्यू ही देगी दैट इज टेन ठीक है हम गलती से एट लिख रहे थे पहले क्वेश्चन में था इसीलिए टू जेल टू जेल अब पार्टनर लोगों में क्या होगा ये जेल जेएल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जेल जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट एक्चुअली ये जो क्रिएट होता है ना इसके कॉरिस्पोंडिंग अमाउंट में ये क्रिएट होता है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है तो जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए आ, ए नहीं मैंने पार्टनर का नाम थोड़ा सा बदल दिया यहाँ पर टू एक्स वाई जेड रखा है एक्स वाई जेड रखा है ठीक है और रेशियो वही फाइव इंसू थ्री इंस टू टू मान लेते हैं ठीक है इसका पीएसआर जो है यहाँ पर कर लेते हैं पीएसआर मान लेते हैं क्वेश्चन में वही फाइव थ्री टू ठीक है तो वैल्यू कितने हो जाएंगे टेन से ये हो जाएगा फाइव थाउजेंड थ्री थाउजेंड और

एक्स डाइज तो क्या होगा ठीक है और पार्टनर है एक्स वाइजेट पी एस आर वही मान लेते हैं फाइव इज टू थ्री इज टू टू तो क्या ट्रीटमेंट होगा तो अच्छा पॉलिसी वैल्यू भी लिख लेते हैं पॉलिसी वैल्यू वन लैख क्योंकि यहां तो ये जरूरी है डेथ हो रहा है तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा ना अच्छा तो अगर पॉलिसी वैल्यू मिल रहा है तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट वन लैख टू जेएलपी ठीक है कितना मिल गया वन लैख मिल गया ठीक है अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर जेल पे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि टेन थाउजेंड का है जो रूल्स है वो पहले फॉलो करेंगे जेल पे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड टू एक्स टू वाई टू जेड ठीक है अच्छा कितना कितना हो जाएगा वन लैख है अच्छा five is to three is to two में करेंगे आ, ये ए, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया वन लैक लिख दिया रिजर्व तो टेन थाउजेंड का ठीक है रिजर्व टेन थाउजेंड का हम लोग रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टेन थाउजेंड तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव थाउजेंड थ्री थाउजेंड और थाउजेंड ठीक है अच्छा अब देखो पॉलिसी वैल्यू वैल्यू में से अब समझने वाला बात है पॉलिसी वन लैख मतलब तो मतलब का है इसमें से हम लोगों को सिर्फ नाइनटी थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट करने को मिलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे पे अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई कितना ठीक 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 है 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 अच्छा डिवाइडेड ओल्ड रेशियो में 9, into, uh, 3, तो ये हो जाएगा 27, 000, और 9, 2, 18, 000, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप देखो चीज को समझो क्या हुआ ये क्रेडिट हुआ था ये डिस्ट्रीब्यूट होके डेबिट हो गया मतलब ये अकाउंट क्लोज हो गया ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिल गया ठीक है जेएलपी का कितना मिला वन लैक अब वन लैख में से देखो टेन थाउजेंड ब्लॉक्ड है तो वन लैख में से टेन थाउजेंड जो ब्लॉक है उसका यहाँ पर मैच कैसे हुआ ये यह देखो यहाँ पर हम लोगों ने जेएलपी नाइन्टी थाउजेंड का क्या कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये जब हम लोगों ने ब्लॉक किया ना तो इसका एंट्री किया था तब क्या एंट्री किया था ऐसे करके जेएलपी बोल के एक एंट्री किया था ना देखो यहाँ पर हम लोग जब इसे ब्लॉक करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं अकाउंट डेबिट टू लिखते हैं ये देखो इसको जब हम लोग ब्लॉक करते हैं तो एंट्री लिखते हैं जेएलपी जेएलपी टू जेएलपी प्रीमियम है ना जेएलपी टू जेएलपी प्रीमियम बोल के लिखते हैं जेएलपी अकाउंट डेबिट करते हैं ना टेन थाउजेंड से तभी तो इसको यहाँ पर एसेट साइड में दिखाते हैं अब यहां पर टेन डेबिट है और और डेबिट कर दिया तो टोटल वन लैख डेबिट कर दिया और पैसा मिला तब वन लैख क्रेडिट हुआ तो डेबिट और क्रेडिट मिला के कैंसिल आउट हो गया है ना तो ये लॉजिक है गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम तो ये लॉजिक है देखो है ना कि हमें जो पैसा मिल रहा है हम लोग उसको किस तरह से लॉजिकली सोच के देखो कुछ भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है क्योंकि हम लोगों को जेएलपी जो मिला है ना वन लैक इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है वो देखो क्योंकि हम लोग इसे इसमें से टेन थाउजेंड का एसेट ब्लॉक कर रखे तो अभी नाइन्टी थाउजेंड ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और जब टेन थाउजेंड ब्लॉक कर रहे हैं ना तो वो पहले प्रॉफिट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट जो है टेन थाउजेंड से

यहां पर लिखेंगे जेएलपी रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर इन ओल्ड पीएसआर सेकंड सेकेंड इफ एनी अदर अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड यानी डेथ के वाले केस में देन इट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम जेएलपी अकाउंट ठीक है तो अगर हमें क्या सेकंड क्या बोला इफ एनी अदर अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड देन इट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम जेएलपी अकाउंट जैसे कि ये वाला ये देखो जेएलपी डेबिट हुआ ना तो अगर डेथ हुआ है तो जो अमाउंट मिलेगा यानी पॉलिसी वैल्यू तो वो जेएलपी अकाउंट को डेबिट करके करता है ठीक है तो देखो तीनों कांसेप्ट जो है मैंने बता दिया कैसे होता है तीनों कांसेप्ट ही अब हम लोग को क्या करना है इस पे जो क्वेश्चन है वो करना है और एक चीज बताते हैं ऐसा डायरेक्टली हमें कोई क्वेश्चन करने नहीं देगा ये तो बस समझाने के लिए मैंने ये सारी चीज बताए हैं अब हम लोग का क्या होगा जेएलपी से एक एडजस्टमेंट uh, रहता है ठीक है अब वो होगा भी कि नहीं वो कोई गारंटी नहीं है अगर जेएलपी आए तो जेएलपी से एडजस्टमेंट का कंसेप्ट रहेगा अच्छा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इलास्ट्रेशन सेवन जो कि जेएलपी वाला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला है देखो इलास्ट्रेशन यहाँ पर बोल रहा है रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देशियो फाइव इज टू थ्री टू टू दे टूक आउट ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन टू थाउजेंड सिक्सटी फॉर फिफ्टी थाउजेंड प्रीमियम ऑफ थ्री थाउजेंड बींग पेड एनुअली ऑन टेंथ जून ठीक है इनका जो जेल पे लिया हुआ है उसका प्रीमियम है इन थाउजेंड और ये पे करना पड़ता है मंथली मंथली बोल रहे सॉरी जून को ठीक है हर मंथ के टेंथ जून को द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन ऑफ वेरियस ईयर एज दॉलिस तो इनका जो आ, मतलब सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ब्लैक रिटायर ऑन ठीक है ब्लैक फिफ्टींथ अप्रिल को रिटायर हुआ है मतलब ये क्वेश्चन कैसे बना हुआ है वो हम पहले तुम लोगों को थोड़ा सा अपने हिसाब से प्रेजेंट करके बताते हैं ईयर हो गया प्रीमियम ठीक है जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे ना वैसे ही हम इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे टू थाउजेंड 2016, 2016, 2016 में सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है देखो नील उसके बाद नाइन थाउ नाइन हंड्रेड यहाँ पर लिखेंगे

कब दिख रहा है सरेंडर वैल्यू 31 फर्स्ट डिसंबर थर्टी फर्स्ट डिसंबर फॉर 31 टू 2016 टू थाउजेंड सेवेंटीन ऐसे दिखाया जा रहा है ब्लैक जो है वो फिफ्टीन अप्रैल ट्वेंटी को रिटायर कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ब्लैक रिटायर 15 अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी क्वेश्चन क्या है वो तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये बताओ कि इस हालत में इनको क्या मिलेगा सरेंडर वैल्यू मिलेगा कि पूरा पॉलिसी वैल्यू ही मिल जाएगा जो कि फिफ्टी थाउजेंड का है पॉलिसी वैल्यू है टोटल फिफ्टी थाउजेंड का अगर ब्लैक रिटायर कर रहे हैं तो इनको क्या मिलेगा सरेंडर वैल्यू की पॉलिसी वैल्यू और अगर जो भी मिलेगा कितना मिलेगा ये बताओ बोलो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है गलत होगा तो हम रेक्टिफाई कर देंगे लेकिन ये थोड़ा सा सोच के बताओ इतना सारा चीज बोला गलत तो होना नहीं चाहिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि रिटायरमेंट हुआ है तो पॉलिसी मिले पॉलिसी वैल्यू मिलेगा कि सरेंडर वैल्यू मिलेगा बोलो रिटायरमेंट में क्या मिलता है सरेंडर वैल्यू अच्छा कितना मिलेगा यहाँ पर तीन सरेंडर वैल्यू दिख रहा है एक जीरो दिख रहा है नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कौन सा वाला मिलेगा रिटायरमेंट का डेट भी मैंने लगा दिया फिफ्टीन फिफ्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी बोलो कौन सा वाला सरेंडर वैल्यू मिलेगा टू थाउजेंड टू थाउजेंड मिलेगा अच्छा आ, यहाँ पर देखते हैं टू थाउजेंड मिलेगा कि कुछ और मिलेगा यहाँ पर हम लोगों का एक चीज सोचो अगर टेंथ जून को टेंथ जून को प्रीमियम पे किया जाता है तो मुझे एक चीज बताओ हम यहां पर एक ईयर ड्रॉ करते हैं ठीक है ये 2016, 17, 18, 19, ठीक है? ये चार ईयर मैंने बना लिया अच्छा अब ये 16 का टेंथ ऐसे लिखते हैं जून मतलब 10-6-2016 का हम लोगों ने प्रीमियम दे दिया ठीक है कितना थ्री थाउजेंड अच्छा, फिर टेन सिक्स टू थाउजेंड सेवेंटीन आया हम लोगों ने फिर से थ्री थाउजेंड दे दिया फिर टेन सिक्स टू थाउजेंड एटीन आया हम लोगों ने फिर से थ्री थाउजेंड दिया क्योंकि हमारा जो है पॉलिसी चल रहा है कंटिन्यू हम लोगों ने बंद नहीं किया है फिर टेंथ जून टू थाउजेंड नाइनटीन आया और हम लोगों ने प्रीमियम दे दिया ठीक है प्रीमियम दे दिया थ्री थाउजेंड इसके बाद इसके बाद फिफ्टींथ अप्रैल ट्वेंटी को मतलब ये ईयर खत्म हो रहा है थर्टी फर्स्ट हर एक ईयर कब खत्म हो रहा है थर्टी फर्स्ट को जन टू दिसंबर फिर यही दिसंबर फिर दिसंबर फिर दिसंबर ठीक है अब यहाँ पर बोल रहा है ये नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ फिफ्टींथ अप्रैल को फिफ्टींथ अप्रैल 2020 को जो है रिटायरमेंट हुआ मतलब इसके बाद का हम लोगों ने प्रीमियम नहीं भरा होगा क्योंकि प्रीमियम तो जून में होता है तो जून ट्वेंटी आने के पहले ही रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया किसने ब्लैक ने तो मुझे बोलो कि हम लोग को सरेंडर वैल्यू कौन सा मिलेगा ये नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब थोड़ा थोड़ा सोच के बताओ सरेंडर वैल्यू कौन सा मिलना चाहिए जहां तक प्रीमियम क्लियर है जहां तक प्रीमियम क्लियर है वहां तक का सरेंडर वैल्यू मिलेगा ना तो बोलो सरेंडर वैल्यू कौन सा मिलेगा मैंने थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दिया गलती अगर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बताओ हाँ, 3600 मिलेगा हाँ, मिलेगा ना 3600 क्योंकि 3600 अप्रैल इसीलिए मिलेगा क्योंकि ब्लैक ने तो फिफ्टीन अप्रैल 20 को रिटायरमेंट डिक्लेयर किया उसके आगे का तो प्रीमियम क्लियर है तो फिर सरेंडर वैल्यू ये वाला मिलेगा अगर उसने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया होता फिफ्टीन अप्रैल 19 को सपोज फिफ्टीन अप्रैल 19 को डिक्लेयर किया होता रिटायरमेंट तो बोलो सरेंडर वैल्यू कौन सा होता तब सरेंडर वैल्यू कौन सा होता बताओ तब टू थाउजेंड

समझ में आ रहा है वो हमें मिलने वाला है नहीं ठीक है अब सरेंडर वैल्यू हमेशा क्वेश्चन ही गिवन करता है वो तो हम लोग खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो ये क्वेश्चन हो गया ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन में करने क्या बोला है प्रिपेयर लेजर अकाउंट हमें लेजर प्रिपेयर करना है नो लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मतलब क्या होता है जहां पर कोई लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन नहीं होता है इसका मतलब होता है ये देखो अगर तुम लोग लास्ट दिन ध्यान से देखे हो जब मैंने सेकेंड वाला एग्जाम्पल सॉरी सेकेंड वाला ट्रीटमेंट करवाया था तो मैंने लिखा था जेल जेएलपी अकाउंट इज में बोला जाता है क्योंकि यहां पर हम लोग जेएलपी का अकाउंट एक खुद ब खुद मेंटेन करते हैं मतलब

पहला एंट्री क्या होता है जेल प्रीमियम टू बैंक तो हम लोग एक जेल पे प्रीमियम का अकाउंट बनाएंगे जेएलपी प्रीमियम का अकाउंट बनाएंगे अच्छा बैंक का अकाउंट चाहो तो बना सकते हो नहीं तो नहीं क्योंकि यहाँ पर बोला है ना नेसेसरी लेजर बनाना है प्रिपेयर लेजर अकाउंट अच्छा प्रिपेयर लेजर बोला है नेसेसरी ऐसा कुछ नहीं बोला है लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं बैंक का अकाउंट हम और नहीं बना रहे ठीक है बैंक का अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है चाहो तो बना सकते हो ऐसे कोई बात नहीं है ठीक है तो अगर चाहो तो बैंक अकाउंट बना लो कोई बात नहीं ठीक है बैंक अकाउंट भी चाहो तो बना सकते हो क्योंकि पहला एंट्री क्या होता है पहला एंट्री होता है जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक ये देखो पहला एंट्री क्या होता है हम लोग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं ये देखो पर पर हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट एंट्री एंट्री क्या होता है तो, तो, तो यहां पर एक का अकाउंट बनेगा और एक जेएलपी का अकाउंट बनेगा पीएल का अकाउंट बन जाएगा और एक बनेगा जेएलपी का अकाउंट जेएलपी अकाउंट अब तुम लोग सोचो मत ऐसा कि जेल पे अकाउंट इज में नो जेल पे अकाउंट इज तो हम लोग जेल पे अकाउंट क्यों बना रहे हैं ये तो हम लोग बना रहे जेल पे अकाउंट जब हमें पैसा रिसीव होगा मतलब जब रिटायर करेगा ये देखो एबीसी यहाँ पर मैंने क्या लिखा था ये देखो द, कोई अगर रिटायर कर रहा है देखते हैं पर ऑफ थर्ड ईयर आउट ऑफ दार्टनर ए बी सी ए डाइज मैंने पहले डेथ वाला दिखाया था और ये देखो डेथ वाले में जेएलपी टू ए टू बी टू सी ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमें जेएलपी अकाउंट लिखना ही पड़ेगा ना जब पैसा मिल रहा है तो उसको कैसे दिखाएंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट बोल के दिखाना पड़ता है लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से कोई ऐसा अकाउंट मतलब एसेट में ब्लॉक नहीं करते हैं ठीक है यहाँ तो हमें जो जेलपी का पैसा मिल रहा है उसका एंट्री हम लोग कर रहे हैं ठीक है थीके? अच्छा अब देखो कैसे करके हम लोग इसे फिलअप करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का जेलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक पहला हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं तो सिंपल ऐसे लिखो टेंथ जून को टेंथ जून 2016 तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक थ्री अच्छा अब ये पीएल में चला जाएगा तो पीएल में कब जाएगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर क्योंकि इनका ईयर एंड थर्टी दिसंबर होता है सरेंडर वैल्यू थर्टी फर्स्ट दिसंबर का दिखा रहा है ये लोग तो बाई पी एल थ्री थाउजेंड ठीक है ऐसा क्वेश्चन लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं आता है जस्ट नॉलेज के लिए जो भी हम लोगों ने सीखा उसी वजह से दिया है फिर टू थाउजेंड सेवेंटीन में फिर से टू बैंक ये पूरा कंप्लीट कर लेते बाद में जाके क्रॉस पोस्टिंग पीछे कर लेंगे। ये आसान है तुम लोग को दिक्कत तो नहीं होने वाला इसमें, एक्सपेंसेस और उसका पीएल ट्रांसफर बाई पीएल वही थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड लिखते जाओ और करना क्या है फिर टेंथ जून टू थाउजेंड एटीन टू बैंक फिर से प्रीमियम पे कर दिया थ्री थाउजेंड और उस प्रीमियम को ट्रांसफर कर दिया पीएल

पीछे मैंने लेजर बना रखा है उसमें क्या लिखना है बोल के ठीक है फिर टेंथ जून टू थाउजेंड सेवेंटीन वही बाई जे एल पी प्रीमियम थ्री थाउजेंड हम डॉट डॉट लिखते रहे ठीक है एक ही चीज को क्या लिखे बार बार बाई सिर्फ बाई लिख देते हैं और जेल पे प्रीमियम सेम एंट्री क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है ठीक है थ्री थाउजेंड और टेन सिक्स टू थाउजेंड नाइनटीन बाई जेल पे प्रीमियम थ्री थाउजेंड क्या इसमें और कुछ नहीं आएगा कुछ है ही नहीं इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास बैंक का कोई डेटा होता कि ओपनिंग है क्लोजिंग है तो लिख देते कुछ है नहीं तो ऐसे ही रखना पड़ेगा ठीक है अच्छा अब पीएल में क्या होगा पीएल में जो है हम लोगों ने ट्रांसफर किया ना तो पीएल टू तो जेल पी हो जाएगा तो इसका हो जाएगा थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है तो बाई सॉरी टू जे एल पी प्रीमियम वही थ्री थाउजेंड वही थ्री थाउजेंड ही लिखना है और तो कुछ करना है नहीं थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन टू जे एल पी प्रीमियम फिर वही थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड एटीन टू जे एल पी प्रीमियम फिर थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन वही टू जेएलपी प्रीमियम ठीक है हो गया ये हम लोग का पीएल का एंट्री हो गया अब बोल रहा है कि रिटायरमेंट हो गया फिफ्टींथ अप्रैल को तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी पैसा देगी तो उसका एंट्री क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी दिखाना पड़ता है कितना मिलेगा जो सरेंडर वैल्यू आया थ्री थाउजेंड सिक्स हाँ इसका एक क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट में कर दो फिफ्टींथ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी को हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं टू uh, जेएलपी टू जेल पी बोल के यहाँ पर हो जाएगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है इसे क्लोज करने का कोशिश नहीं करना है हमें क्योंकि हमारे पास ना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो जस्ट हम लोग लेजर को दिखा रहे हैं कि कैसे होगा अब रूल्स क्या है जो पैसा मिलेगा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिंपल जो मिलेगा वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि यहां पर ना हम लोगों का एक्सपेंस हम लोग एक्सपेंस दिखाते ना तो उसको कुछ एसेट ब्लॉक करते ना तो प्रोपोर्शनेट करते कि हमें डिस्ट्रीब्यूट के टाइम पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा ही होगा जो भी मिलता है सरेंडर वैल्यू मिलता है पूरा सरेंडर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू मिलता है इनके सब डेट पूरा वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर तो कोई झमेला है ही नहीं ठीक है तो अप्रिल टू 2020 टू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट ठीक है कौन कौन है पार्टनर रेड ग्रीन ब्लू ऐसा कुछ है नहीं सॉरी रेड व्हाइट ब्लैक हम आ, रेड ग्रीन ब्लू रेड व्हाइट ब्लैक ठीक है अच्छा 3600 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो है इनका 5 3 2 अच्छा तो डिवाइडेड बाय 10 तो थर 3600 इनटू 5 3600 इनटू 5 3600 इनटू 5 डिवाइडेड बाय 10 1800 सर डिवाइडेड बाय 5 इनटू 3 1080 और डिवाइडेड बाय थ्री इंटू टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है थ्री सिक्स जीरो जीरो इसे क्लोज कर सकते हैं

मैंने जो सेवेंटी परसेंट बताया था अच्छा उससे कम है थीके? लेकिन प्रैक्टिकली मिलता है यहाँ थर्टी परसेंट मिल रहा है थर्टी परसेंट जो है ये लोग रिफंड कर रहे हैं जो भी हो ये तो क्वेश्चन है हमारा ये आसान होता है जो भी मिलता है हमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे ही पार्टनर लोगों में हमें चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं कि इसमें से कितना ब्लॉक था तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करें ये सब कोई भी नेसेसरी यहाँ पर नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर हमें रिटायरमेंट दिया था अगर डेथ होता सोचो इस क्वेश्चन में अगर डेथ होता तो फिफ्टी थाउजेंड मिलता फिफ्टी थाउजेंड ही तीनों पार्टनर में ओल्ड पी एस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेम क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन एट ठीक है यहां बैंक अकाउंट नहीं बना है मैंने बना दिया ठीक है तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें बोला है देखो क्वेश्चन में प्रीपेयर लेजर अकाउंट फिर से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन यानी कि जेल पे अकाउंट मेंटेन करना है ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस ठीक है सिर्फ जेल पी मेंटेन करने बोला है सरेंडर वैल्यू पे यानी कि एसेट मेथड ठीक है यानी कि एसेट मेथड अगर हमें बोलता कि एज वेल एज जेल पे रिजर्व तो एसेट और लाइबिलिटी दोनों वाला होता लेकिन यहाँ पर बोला है सिर्फ सरेंडर वैल्यू पे जेल पे अकाउंट मेंटेन करके दिखाओ यानी कि जेल पी एज एन एसेट करना है क्वेश्चन पूरा सेम है हमें नेसेसरी लेजर बना के देना है ठीक है तो लेजर में क्या क्या बनेगा तो लेजर में हम लोग का पहले बन जाएगा इलास्ट्रेशन एट यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले बनेगा जेएलपी हम लोग का एंट्री क्या होता है जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट ऐसे होता है जेएलपी प्रीमियम टू बैंक ये तो होगा ही जेएलपी प्रीमियम टू बैंक इसके बाद पीएल का एंट्री होता है इसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं पीएल टू जेएलपी प्रीमियम और एंट्री करते हैं जेएलपी ये देखो दिखा देते हैं क्या क्या एंट्री करते हैं ये देखो यहां पर दिखाएंगे देखो सबसे पहला एंट्री होता है बैंक टू जेएलपी ये रहा बैंक टू जेएलपी जेएलपी टू ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जेएलपी टू तो जेएलपी प्रीमियम पीएल टू जेएलपी प्रीमियम ठीक है पीएल टू जीएलपी प्रीमियम तो देख लेते हैं सबसे पहले जेएलपी प्रीमियम टू तो बैंक JLP प्रीमियम टू बैंक ये मैंने अकाउंट बना लिया उसके बाद बनता है JLP प्रीमियम uh, JLP टू JLP प्रीमियम जिससे एसेट बनाएंगे तो JLP टू JLP प्रीमियम एक JLP अकाउंट बनेगा JLP प्रीमियम तो मैंने पहले ही बना रखा है JLP टू JLP प्रीमियम इसके बाद PL में ट्रांसफर जो एक्सपेंस मान रहे हैं PL टू JLP प्रीमियम बस इतना होता है ठीक है अच्छा अब हम लोग इसका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं सेम क्वेश्चन है ठीक है सेम क्वेश्चन है सेम डेटा है तो सबसे पहले प्रीमियम पे होगा डेट भी वही है थर्टी सॉरी टेंथ ऑफ जून ठीक है डेट है हम लोग का टेंथ ऑफ जून अच्छा एक सेकेंड तो यहां पर लिखेंगे टेंथ जून टू थाउजेंड सिक्सटीन टू थाउजेंड पहला सिक्सटीन ही था ना हाँ पहला सिक्सटीन है 2016 टू बैंक कितना 3000 ठीक है अच्छा 31 दिसंबर 2016 को ये पीएल में चला जाएगा बाय पीएल 3000 ठीक है ये क्लोज हो गया इसको ना हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जो है एंट्रीज ज्यादा लिखने होंगे ना तो अब क्लोज करके समझाते हैं और यहाँ पर बैंक अकाउंट में लिख देते हैं साथ ही साथ बाय जेएलपी प्रीमियम बाय जे एल पी प्रीमियम थ्री थाउजेंड और पीएल में भी लिखे फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन को टू जे एल पी प्रीमियम थ्री थाउजेंड ठीक है अच्छा ये हम लोग का हो गया एंट्री ठीक है पहला एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया सेकेंड ईयर में क्या होगा फिर से हम लोग टेंथ जून 2017 को प्रीमियम भरेंगे तो फिर से जेल पे प्रीमियम टू बैंक सेकेंड ईयर का जेल पे प्रीमियम टू बैंक देखो यही वाला मैंने भी एग्जाम्पल में करवाया था फर्स्ट ईयर में यहाँ पर ये देखो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था जेल पे प्रीमियम टू बैंक पीएल टू जेल पे प्रीमियम ठीक है फिर जेल पे प्रीमियम टू बैंक फिर यहाँ पर चेंजेस आता है ठीक है तो जेल पे प्रीमियम टू बैंक थ्री थाउजेंड ठीक है अब यहाँ पर पूरा का पूरा 3000 थाउजेंड में नहीं जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि हमें जेएलपी एज एन एसेट करना है तो जो हमारा सरेंडर वैल्यू है 3000 पे करने के बाद हमें पता है कि हमें 900 तो मिल, मिलेगा ही मिलेगा तो 900 का हम लोग जेल पे क्रिएट करेंगे बाकी का हम लोग एक्सपेंस दिखाएंगे ठीक है तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे बाई यहाँ पर डेट लिखते हैं 31 दिसंबर 2017 बाई JLP बाई JLP बोल के यहाँ पर 900 दिखेगा और जो हम लोगों का जो JLP नहीं बना उतने का हमारा एक्सपेंस हमें बुक करना होता है तो by PL कितना हो जाएगा 2100 तभी ना जाके ये 3000 होगा देखो तभी जाके ये 3000 होगा यही वाला चीज हम लोगों ने सीखा ना यही तो सीखने वाला है ये देखो पूरा का पूरा हमें नहीं देना है मैंने लिख के काट दिया था मैंने क्या बोला जितना सरेंडर वैल्यू अभी मिलेगा पहले वाले केस में जीरो था जितना मिलेगा उतने का जेएलपी बनाओ और बाकी को एक्सपेंस ट्रीट करो तो वही कर दिया अब हम लोग इसको क्या है क्रॉस पोस्टिंग करेंगे ठीक है तो ये जेएलपी पहला बात है बैंक में लिखेंगे बैंक में लिख देते हैं टेंथ जून 2017 बाय सेवेंटीन बाई जेएलपी प्रीमियम 3000 ये हो गया क्रॉस पोस्टिंग का पहला अच्छा जेएलपी में लिखेंगे टू जेएलपी प्रीमियम 900 हंड्रेड यहाँ पर लिखेंगे, टू जे एल पी प्रीमियम नाइन हंड्रेड थर्टी फर्स्ट फर्स्टर टू जे एल पी प्रीमियम नाइन हंड्रेड और पीएल में लिखना पड़ेगा थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन टू जे एल पी प्रीमियम 2100 ठीक है ऐसे करके लिखना चाहिए हमें 2100 ये हो गया अच्छा इसको ऐसे करके चाहो तो सिंगल लाइन से क्लोज कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ, फिर से पेमेंट करेंगे टेंथ जून 2018 को प्रीमियम टू बैंक कितना वही 3000 ठीक है अब बैंक में क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं टेंथ जून टू थाउजेंड प्रीमियम 3000 चाहो तो इसको भी ऐसे करके Close करते जाओ। अच्छा, अब हम 2017 में क्या करेंगे कुछ एसेट बनाएंगे और कुछ हमारा एक्सपेंस दिखाएंगे कितना एसेट बनाए कितना एक्सपेंस दिखाए यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाला चीज है देखो यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे हम लोग को एसेट कितना बनाना है यहाँ पर चेक करते हैं देखो हम लोगों ने पहले 900 एसेट बनाया अभी हम लोगों को एसेट बनाना टू थाउजेंड ये टोटल में होता है होता जाता है मतलब आप अगर यहां करते हो इसके बाद गिवअप करते हो तो आपको नाइन हंड्रेड मिलेगा मतलब ये पेमेंट करने के बाद और ये दो तो पेमेंट करने के बाद गिव अप करते हो तो नाइन हंड्रेड मिलेगा ये तीन पेमेंट करने के बाद अप करते हो तो टू थाउजेंड मिलेगा मतलब ये ऐसा नहीं है कि 900 हंड्रेड प्लस टू मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं ये क्यूमुलेट हो रहा है एक्चुअली ये 900 हंड्रेड प्लस यहाँ पर हमें मिल रहा है टू थाउजेंड है तो नाइन हंड्रेड प्लस इसको हम लोग बोल सकते हैं वन वन डबल जीरो है ना तो ये अमाउंट हमें मिल रहा है मतलब नाइन हंड्रेड तो यहाँ पर भी गिव अप करने पे मिलेगा मतलब अगर इसको भी पे कर देते हैं तो हमें इलेवन हंड्रेड तो टोटल टू थाउजेंड मिलेगा एक्चुअली ऐसा होता है तो हमें सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है तो हम लोग का सरेंडर वैल्यू नाइन था नेक्स्ट टाइम टू थाउजेंड हुआ तो उसमें से नाइन हंड्रेड तो हम लोगों ने रिजर्व सॉरी एसेट क्रिएट कर रखा ही है अभी जब नेक्स्ट पढ़ाओ पे आ गए तो हमें टू थाउजेंड क्रिएट करना है तो उसमें से नाइन हंड्रेड तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ये क्यूमुलेट होके रहता है 900 हंड्रेड ऑलरेडी क्रिएटेड है तो और कितना क्रिएट करना पड़ेगा 1100 मतलब कैसे लिखेंगे ये देखो सिंपल बात है हम लोग को दिख रहा है इस बार का एसेट होना चाहिए 2000 लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2000 नहीं लिख सकते क्योंकि 2000 में तो 900 हम लोग बना के ही रखे वो क्यूमुलेटेड है मतलब वो टू में नाइन भी इंक्लूडेड है तो इसका मतलब अभी हमें इलेवन क्रिएट करना पड़ेगा तो इसका मतलब हम लोगों को पीएल में एज एन एक्सपेंस कितना दिखाना पड़ेगा थ्री थाउजेंड में से इलेवन हंड्रेड का अगर मेरा एसेट है तो बाकी अमाउंट मेरे पीएल में जाएगा ऐसे बैलेंस करके निकालना पड़ेगा यहाँ पर लेजर में ये चीज मुझे सिखाना था इस तरह से होता है ठीक है तो ये मुझे वहां पर मौका नहीं मिला कि हम लोगों का ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम दिखाए तो अभी क्वेश्चन आ गया तो देखो किस तरह से क्रिएट होता है ठीक है तो यहाँ पर हो रहा है 1900 तो 1900 हंड्रेड हम लोग का पीएल में जाएगा मतलब इसको डायरेक्ट 2000 थाउजेंड यहाँ पर नहीं लिखो ठीक है क्योंकि वो क्यूमलेट है क्यूमलेट का मतलब है यहां अप करते हैं तो 900 हंड्रेड यहाँ गिव अप करते हैं तो ये 900 हंड्रेड तो आपको मिलेगा ही प्लस और 1100 मिलेगा मिलेगा यहां अप करते हैं तो 900 हंड्रेड प्लस इलेवन प्लस कुछ अमाउंट मतलब टू कितना हो जाएगा 1, और इंश्योरेंस अच्छा, लोग करते हैं, चलो. ये जो है जेएलपी जेएलपी टू जेएलपी प्रीमियम तो जेएलपी में लिखेंगे जेएलपी टू जेएलपी प्रीमियम टू जेएलपी प्रीमियम थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड एटीन यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा इलेवन हंड्रेड ठीक है यहाँ पर वैल्यू हो गया इलेवन हंड्रेड पीएल में लिखेंगे ठीक है हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग फिर प्रीमियम पे करेंगे लास्ट ठीक है टेंथ ऑफ जून टू थाउजेंड नाइनटीन टू बैंक यहाँ पर थ्री थाउजेंड फिर से पेमेंट हो गया इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं टेंथ जून 2019 थाउजेंड नाइनटीन बाई जेएल प्रीमियम थ्री थाउजेंड हो गया अच्छा यहाँ पर दिखाते हैं थर्टी फर्स्ट 2000 टू थाउजेंड अच्छा ये ना एटीन होगा नाइनटीन ठीक है यहाँ पर बाई जेएलपी बोल के कितना एसेट बनाना पड़ेगा देखो टोटल एसेट हम लोग को थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दिख रहा है लेकिन उसमें से इतना तो बना हुआ है पहले नाइन हंड्रेड फिर टू थाउजेंड तो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड

टू जे एल पी बोल के फोर्टीन हंड्रेड टू जे एल पी प्रीमियम बोल के थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन टू जे एल पी प्रीमियम बोल के फोर्टीन हंड्रेड ठीक है ये पीएल का अमाउंट हो गया अच्छा और यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग करते हैं थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड 19, यहाँ पर आ, अच्छा इसको इसको ना मैंने एक ही जगह पे दिखा दिया इसका क्लोज ऐसे कर सकते थे हम लोग देखो एक सेकेंड इसका क्लोज ऐसे हो सकता था यहाँ पर टू जेल पे प्रीमियम यहाँ पर नेक्स्ट इधर क्लोज कर देते थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सॉरी टू थाउजेंड सेवेंटीन यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी नाइन हंड्रेड बाई बैलेंस सी डी नाइन हंड्रेड ठीक है ये नाइन हंड्रेड यहाँ पर नाइन हंड्रेड लिख दो तो, क्लोज करने के लिए इसको ना हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ये ऐसे कर लेते यहाँ नाइन हंड्रेड और यहाँ पर भी, भी टोटल नाइन हंड्रेड अच्छा अब ये ये जो पोस्टिंग होगा ना इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे ज्यादा कुछ नहीं चेंज बस इतना करना है इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे उधर क्लोज किया ना ये अकाउंट क्लोज होता है तो ये देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे वन वन एटीन ठीक है ये मैंने इसको मतलब ओमिट हो गया ये वाला लिखना चाहिए बाय टू बैलेंस बी डी नाइन हंड्रेड जे एल पी मतलब एसेट है ना जैसे कोई फिक्स एसेट करते हो तो फिक्स एसेट में कैसे करते हो एसेट था इतना फिर इतना बचा फिर उसे ब्रॉड डाउन नहीं करते हो उसी तरह से तो नाइन हंड्रेड का एसेट था क्लोज कर दिया फिर डाउन किया तो ओपनिंग में नाइन हंड्रेड है और थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड एटीन में कितना हो रहा है यहां पर देख लेते हैं ये देखो थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड एटीन में कितना एसेट बना है इलेवन हंड्रेड ठीक है ये लिखा हुआ था मैंने रब कर दिया ना तो मैंने फिर से दिखा दिया ये देखो ठीक है तो टोटल बाई कितना, तो कितना हो जाएगा टू थाउजेंड तो टोटल सरेंडर वैल्यू के हिसाब से दिखना चाहिए ना एसेट में क्या दिखेगा जैसे बैलेंस में फिक्स्ड एसेट दिखाते हो तो यहाँ पर टू थाउजेंड दिखाओगे नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर नाइन हंड्रेड दिखाओगे वही तो यहाँ पर दिख रहा है ये देखो ना वही तो यहाँ पर दिख रहा है और ये एंड में थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड होना चाहिए हमारा अकाउंट सही बना है तो इसमें इसको डाउन कर लेते हैं फिर से ये रहा तो वन वन नाइनटीन वन वन नाइनटीन में टू बैलेंस बी डी ये हो गया टू थाउजेंड और थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन टू जे एल पी प्रीमियम ये कितना अमाउंट है ये है हम लोग का सिक्सटीन हंड्रेड ये रहा सिक्सटीन हंड्रेड अच्छा टोटल करने पे थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हो गया थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन में लिखेंगे यहां पर थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड

ये ब्रॉड डाउन होगा वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है यहां पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा टू बैलेंस बी डी बोल के थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये ब्रॉड डाउन हो गया और ये पैसा मिल गया ये क्लोज हो जाएगा ये अकाउंट क्लोज हो गया ये पैसा मिल गया अब बैंक अकाउंट जो मैंने लेजर बना रखा है वहां पर लिखेंगे टू जेएलपी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यहां पर लिखेंगे टू जे एल पी फिफ्टीन ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जे एल पी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है ये पैसा जो है रिसीव हुआ तो उसका एंट्री मैंने करके दिखा दिया ठीक है तो इस तरह से हम लोग का एंट्री होगा तो देखो सिंपल था हम फिर से एक बार बता देते क्या किया हम लोगों ने सबसे पहले प्रीमियम का पैसा भरा टू बैंक पहले तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हुआ फिर टू बैंक यहाँ क्रॉस पोस्टिंग फिर टू बैंक यहाँ क्रॉस पोस्टिंग टू बैंक यहाँ क्रॉस पोस्टिंग एज वेल एज पीएल में भी जाएगा लेकिन यहाँ पर सरेंडर वैल्यू को देखते हुए पीएल में ट्रांसफर करना है बिकॉज इसे एसिड ट्रीट करना है ठीक है तो सेकेंड ईयर में सरेंडर वैल्यू था 900 तो उतना हम लोगों ने रखा बाकी का हम लोगों ने पीएल बना दिया फिर थर्ड uh, ईयर में सरेंडर वैल्यू था हम लोग का 2000 लेकिन 900 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो और कितना क्रिएट करना पड़ेगा 1100 फिर नेक्स्ट सरेंडर वैल्यू था 3600 तो 2900 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो कितना करना पड़ेगा सिक्सटीन और जहां पर जैसा क्रॉस पोस्टिंग होना है वैसे ही हुआ है बस हाँ मैंने इस अकाउंट को जो है दोनों साइड नहीं बनाया था क्योंकि ये एसेट है तो ये इजिली दोनों साइड बनेगा

क्योंकि एसिड जो ब्लॉक है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करने का और कोई जरूरत नहीं होता है ये देखो अः यहाँ पर कहा लिखा हुआ है देखने से ये देखो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो डुअल इम्पैक्ट हो जाएगा ना क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का ये ब्लॉक कर दिया था हम लोगों ने थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तक ब्लॉक कर दिया था क्योंकि इससे मिलता जुलता जब जब हमारा बैलेंस शीट बना है हर साल हर साल जैसे पीएल बनाया ना हम लोगों ने वैसे बैलेंस शीट भी तो बना होगा जैसे ये यह, यहाँ पर जो बैलेंस शीट है यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा इस साल का जो बैलेंस शीट है यहाँ पर जेएलपी दिख रहा होगा 900 से इस साल का जो बैलेंस शीट है यहाँ पर जेएलपी दिख रहा होगा 2000 से यहाँ पर जो बैलेंस शीट है यहाँ पर जेएलपी दिख रहा होगा 3600 से और ये सब ब्लॉक करने के कारण प्रॉफिट जो है प्रॉफिट हम लोग का ज्यादा दिख रहा है क्यों दिख रहा है क्योंकि हम लोग एक्सपेंस को कम करके दिखा रहे हर जगह पे ठीक है जहां एक्सपेंस 3000 हो रहा है कहीं 2100 थाउजेंड वन दिखाए बिकॉज नाइन ब्लॉक किया कहीं नाइनटीन हंड्रेड दिखाए बिकॉज इलेवन ब्लॉक किया कहीं फोर्टीन हंड्रेड दिखाए बिकॉज हम लोगों ने सिक्सटीन तो एक्चुअली वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका डुअल इंपैक्ट हो जाता है इसलिए इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन

यहाँ पर भी हम लोग एक नया चीज सीखेंगे देखो इलास्ट्रेशन नाइन ठीक है यहाँ पर हम लोग नया चीज क्या सीखेंगे तुम लोग को अगर याद है एडमिशन के केस में हम लोगों ने एक मेमोरेंडम रिवैल्यूशन सीखा था मेमोरेंडम रिवैल्यूशन याद आ रहा है देखो मेमोरेंडम रिवेल्यूशन क्या था अगर हम लोगों का एडमिशन होने के बाद पार्टनर का अगर हमें एसेट का जो रिवैल्यूशन हो रहा है वो चेंजेस नहीं दिखाना है मतलब रिवैल्युएशन तो कर रहे हैं लेकिन हमें उसके वैल्यूज को चेंज करके नहीं दिखाना है तो हम लोग मेमोरेंडम रिवेल्यूशन बनाते हैं अगर तुम लोग को याद आए तो हम लोग कैसे करते हैं मेमो रिवेलशन में हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जो भी हम लोग का एसेट लाइबिलिटी एंट्री हुआ अब मान लो रिवेल्यूशन में प्रॉफिट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ठीक है जैसे मान लो दो पार्टनर थे ए बी इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि हमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए तो हम लोग फिर से ये जो एसेट यहाँ

डिस्ट्रीब्यूट होता था तो ये एक तरीका था जिससे हम लोग क्या कर सकते थे हमारे एसेट का वैल्यूज अनअल्टर्ड रखते थे ठीक है रिटायरमेंट में भी होगा लेकिन यहाँ हम लोग मेमोरेंडम रिवेल्यूशन नहीं बनाएंगे यहाँ पर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव तरीका है जो हमें यूज करना है उसमें हम लोग क्या करेंगे ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि जो भी हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट होता है किसी भी केस में जैसे हमारा कोई भी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है कि गेनिंग पार्टनर ये देखो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसी और चीजों के लिए भी कोई भी एसेट या लाइबिलिटीज का वैल्यू चेंजेस होने पर यही करना है हम फिर से बताएंगे ठीक है एक बार बोलने से नहीं समझ में आएगा यहां पर जो रिटायरमेंट है उसमें क्या करना होगा उसमें हमें रिवैल्यूशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में और उसमें साथ साथ ये बोला हुआ रहेगा जैसे हम क्वेश्चन का लैंग्वेज दिखाते हैं जहां पर यह दिया हुआ है ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ऑन वन वन टी टू रिटायर बी एंड सी एग्री टू कंटिन्यून फॉर वन लैक एंड इट सरेंडर वैल्यू ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल को वैल्यू किया गया है सन्ड्री फिक्स एसेट को वैल्यू किया गया है

वो किसी भी तरह का एसेट का इंक्रीमेंट दिखाने के लिए मतलब वो अपने एसेट्स का वैल्यू क्या करना चाहते हैं ठीक है एसेट्स का वैल्यू अनअल्टर्ड रखना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो ज्वाइंट लाइक पॉलिसी और हिसाब मतलब से जो है जेल पे एज एन एसेट ब्लॉक किया गया है ट्वेंटी थाउजेंड तो यहाँ पर भी ट्वेंटी भी थाउजेंड होना चाहिए था लेकिन सरेंडर वैल्यू ट्वेंटी दिखा रहा है मतलब यहाँ भी एसेट में

रिटायरमेंट में हम लोग अलग से रिवेल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे ठीक है हम लोग कोई भी रिवेल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे किसी भी तरह के एसेट या का या का इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है है उसका अकाउंट नहीं वर्किंग बना नोट बनाएंगे ठीक तो स्टेप वन क्या लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए रिटायरमेंट के केस में हमें बोला नहीं है ना मेमोरेंडम रिवैल्यूशन वो सिर्फ एडमिशन में बनाया जाता है ठीक है यहाँ पर हम लोग ऑल्टरनेट तरीका यूज करते हैं स्टेप वन में हमें क्या करना है रिवेलुएशन का रिवेल्यूशन को कहा परफॉर्म करना है रिवैल्यूशन डन इन वर्किंग नोट ठीक है वर्किंग नोट पे हम लोग रिवेल्यूशन बनाएंगे मतलब अकाउंट नहीं बनाएंगे जस्ट लाइन बाय लाइन लिख के रिवेल्यूशन बनाएंगे ठीक है वर्किंग नोट पे बनाएंगे फिर स्टेप टू क्या होगा अगर किसी तरह का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं जैसे कि मान लो रिजर्व हो सकता था यहां पर मान लो अगर जनरल रिजर्व होता है तो हम लोग क्या करेंगे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना तो यहां पर बोल रहा है कि इस तरह का कोई भी इस प्रोसेस में जेनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ठीक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कुछ भी अगर होगा तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे रिवैल्यूशन को वर्किंग नोट में करेंगे जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑल्सो एडजस्ट विथ टेप वन मतलब अगर कोई प्रॉफिट रहेगा जैसे मान लो रिवैल्यूशन में प्रॉफिट आया फॉर एग्जाम्पल रिवेल्यूएशन में आया प्रॉफिट ठीक हंड्रेड रुपीस का जनरल रिजर्व दिख रहा है बैलेंस शीट में ट्वेंटी रुपीज का और अगर मान लो कोई पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस दिख रहा है 10 रुपीस का तो हम लोग इसे क्या करेंगे नेट कर देंगे मतलब टोटल प्रॉफिट या लॉस जो है वो देख लेंगे क्योंकि ये भी प्रॉफिट है ये भी प्रॉफिट है ये भी प्रॉफिट है जैसे यहाँ पर जेएलपी को बढ़ा दिया गया फाइव से तो ये भी तो प्रॉफिट है तो सारे प्रॉफिट को जस्ट लाइन बाय लाइन लिख के हमें क्या करना है नेट करके दिखाना है फिर उसे क्या करना है नेट हमारा क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि एंट्री क्या होगा हम दिखाते हैं जैसे स्टेप थ्री में दिखाते हैं स्टेप थ्री में क्या होगा नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी निकल के आता है नेट प्रॉफिट और लॉस विच विल वी गेट उसका एंट्री कैसे होगा जर्नल एंट्री करेंगे ऐसा आ, इनके सब प्रॉफिट ठीक है अगर प्रॉफिट होता है तो क्या जर्नल एंट्री होगा जैसे हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और अगर सारी चीजों को एडलेस करके हमारा लॉस आ जाता है इन केस ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉस तो क्या करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे जस्ट ऑपोजिट सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अच्छा अगर दिमाग में ये आ रहा है इसका लॉजिक क्या है वो भी बताएंगे इसका लॉजिक क्या है जैसे देखो हम एक एग्जांपल से समझाते हैं जब हम लोग मेमोरेंडम रिवेल्यूशन करते थे जैसे देखो हम लोग जब मेमोरेंडम रिवेल्यूशन करते थे यहाँ पर पहले रिवेल्यूएशन ठीक है यहाँ पर सपोज लिखते हैं कि हम लोग का रिवेल्यूशन का प्रॉफिट आया सपोज टू रिवेल प्रॉफिट बोल के आया है थर्टी रुपीज ठीक है हम लोग ए और बी में बांट देते हैं ए और बी ओल्ड पार्टनर है जिनका रेशियो है वन इज टू वन अभी नए पार्टनर हो जाएंगे ए बी सी और इसका रेशियो हो जाएगा वन इज टू वन इज टू वन ठीक है अब रिवेल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे लेकिन हमें एसेट्स का वैल्यू अनऑल्टर्ड रखना है इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर वन इज टू वन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन में अमाउंट आ, आ जाता है फिफ्टीन फिफ्टीन ठीक है वन इज टू वन हुआ तो ये फिफ्टीन और ये फिफ्टी है ना अच्छा अब इसका जब हम लोग फिर से ब्रॉड डाउन करते हैं तो वाई रिवॉल्यूशन लॉस बोल के एबीसी तीनों में आ जाएगा ठीक है तो इसका नेट इफेक्ट देखो नेट इफेक्ट क्या हुआ नेट इफेक्ट कुछ ऐसा होगा ए के पास 15 पॉजिटिव वैल्यू आए 10 नेगेटिव वैल्यू आए तो 5 हो गया बी के पास 15 पॉजिटिव वैल्यू आया 10 नेगेटिव वैल्यू आया तो 5 हो गया के के पास 10 जो है पॉजिटिव आया मतलब अगर अकाउंट्स लैंग्वेज में बोलो तो ये क्रेडिट हो रहा है फाइव रुपीज यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पर जो है अः यहाँ पर क्या हो रहा है ये फिफ्टीन हमारा क्रेडिट हुआ है हाँ फिफ्टीन रुपीज क्रेडिट टेन रुपीज डेबिट और यहाँ पर हो जाएगा टेन जो है ये हम लोग का डेबिट हो रहा है ठीक है डेबिट हो रहा है क्यों जो इनकमिंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर है कैसे रेशियो से पता चलेगा देखो पहले ए बी का रेशियो क्या था हाफ हाफ ठीक है फिर सी आ गया तो रेशियो इनका बन गया वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री तो इनका जो गेन या सैक्रीफाइस है वो कितना हो रहा है चेक करके देखो हाफ माइनस वन बाई तो ये हो गया टू माइनस मतलब वन बाई है ना सेक्रीफाइस जो है ए और बी का कितना हो गया वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स और सी का क्या है वन थर्ड का गेन हो गया सी का वन थर्ड का गेन हो गया तो रूल्स क्या बोल रहा है रूल्स यहाँ पर जो ऑल्टरनेट तरीका है मेमोरेंडम रिवेल्यूशन ना बनाए कैसे कर सकते हैं तो इसका एंट्री क्या होगा देखो ए और बी जो है ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करना पड़ेगा सैक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम लोग क्रेडिट करेंगे तो देखो इनका क्रेडिट हुआ फाइव फाइव मतलब ऐसे सी टू एन तो ये Memorandum बनाओ तो भी ये impact आता है और अगर नहीं बनाते हैं तो इस तरीके से करना पड़ता है के के केस केस में में ऐसे करना पड़ता है है वो हम जो है admission के केस में बनाते हैं ठीक है थीके? तो रिटायरमेंट के केस में हमें अकाउंट नहीं बनाना होता है हमें अगर ऐसा दिया हुआ रहे कि ये लोग अनऑल्टर रखना चाहते हैं अपने एसेट्स के वैल्यूज को तो हमें क्या करना है सिंपल एक चीज तुम लोग समझो जो भी हमारा एसेट और लाइबिलिटीज का इंक्रीज या डिक्रीज होगा या फिर जो भी चीज हम लोग पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना उसका पूरा नेट कर लेंगे ठीक है ओवरऑल नेट कर लेंगे नेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अगर प्रॉफिट आता है तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग और अगर लॉस आता है तो सैक्रीफाइसिंग टू गेनिंग जैसे हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं जैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं जो गेनिंग पार्टनर है उनको हम लोग क्या करते हैं उनको क्रेडिट जो है गुडविल के केस में गेनिंग पार्टनर को डेबिट इट सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट जस्ट वैसे ही हम लोग को करना है ठीक है तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग अब करके देख सकते हैं हम दिखाते हैं सी बी और सी कंटिन्यू आगे करेंगे बिजनेस को और ये अपना रेशियो टू इज टू वन रखना चाहते थे तो सबसे पहले हम गेनिंग और सैक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे क्योंकि मुझे सबसे पहले तो यही चाहिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बिना हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अच्छा तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर वन ठीक है हम लोग इलास्ट्रेशन नाइन कर रहे थे तो नाइन करते हुए ये वाला मैंने बताया इसको ऐसे स्टार लगा देते हैं यहाँ पर लिखेंगे इलास्ट्रेशन नाइन अच्छा यहाँ पर देखो ए बी सी तो रेशियोज इनके थे फाइव थ्री टू तो फाइव बाई टेन थ्री बाई टेन और टू बाई टेन ए रिटायर कर रहे हैं तो नया रेशियो इनका बन रहा है टू इज टू वन मतलब टू थर्ड वन थर्ड टू थर्ड और ड अब चेक करते हैं ए का क्या हो रहा है ए का तो सैक्रीफाइज हो रहा है क्योंकि ये चले जा रहे हैं ठीक है थीके? तो सैक्रीफाइस और गेन अगर ऐसे लिखते हैं तो बेसिकली ए का जो पार्टनर चला जाता है जैसे जो पार्टनर आता है उसका गेन होता है जो पार्टनर चला जाता है उसका सेक्रीफाइस होता है ठीक है तो ए का सेक्रीफाइज है कितना फाइव बाई टेन ठीक है अच्छा बी का पहले थ्री बाई टेन था अभी टू बाई थ्री है चेक करते हैं यहाँ पर हो गया थर्टी नाइन माइनस टेन मतलब ट्वेंटी इलेवन बाई थर्टी माइनस में आया माइनस इलेवन बाई थर्टी ये गेन है क्योंकि देखो ये ओल्ड है ये न्यू है तो नया वैल्यू पीछे लिखा था मैंने ये ज्यादा था माइनस में आंसर आया इसका मतलब इनका गेन है इनका चेक करते हैं इनका गेन है कि नहीं तो थर्टी सिक्स माइनस टेन माइनस फोर बाई थर्टी तो ये भी गेन हो गया इनका गेन है ठीक है अच्छा अब हमें क्या करना है सिंपल हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों को गेनिंग uh, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो वर्किंग नोट नंबर टू बनाएंगे यहां पर रिवैल्युएशन हुआ है ये देखो रिवैल्युएशन हुआ है एसेट का ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्युएशन प्रॉफिट और लॉस पता तो नहीं क्या होगा देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस तो देखते हैं कितना आ रहा है तो यहां पर रिवैल्युएशन क्या हुआ है जेएलपी और फिक्स एसेट तो यहां पर लिखते हैं फिक्सड एसेट का रिवैल्युएशन uh, हुआ है फिक्स एसेट वन लैख टेन थाउजेंड कर दिया गया है जो की पहले एटी थाउजेंड था तो थर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट ठीक थर्टी थाउजेंड का यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट जेएलपी जेएलपी जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मिलेगा जबकि मिलना चाहिए था ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो ये कितना हो गया फाइव थाउजेंड ठीक है ये भी हम लोग का क्या हो गया प्रॉफिट अच्छा और और क्या हुआ और एक गुडविल का भी एडजस्टमेंट जो हमें इसी तरीके से करना पड़ता है गेनिंग और तो अगर इसको भी मुझे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में ही करना है क्यों ना गुडविल को भी यहाँ पर एड कर दे मतलब ये एड नहीं करके तुम लोग अलग अलग भी कर सकते हो जैसे जेएलपी का यहाँ पर 5000 का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कर दो ठीक है अच्छा फिक्स्ड एसेट का भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में अलग से कर दो 30000 का 30000 का ऐसे कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट है अच्छा जेएलपी का भी फाइव का गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दो ठीक है और गुडविल का भी कर दो लेकिन जब मुझे तीनों चीजों को एक ही जैसा करना है क्यों ना हम तीनों का एडिशन कर लेते हैं और उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं ये हम कहना चाह रहे तो गुडविल कितने का है वन लैख का है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे टोटल को ही जो है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हम लोग का टोटल बन जाता है वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड अच्छा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है जो आउट गोइंग पार्टनर है उनको जो हिस्सा मिलेगा ठीक है तो यहां पर लिखेंगे एज शेयर ठीक है एज शेयर किस में, किस में मिलेगा गुडविल तो हम लोग लिखेंगे share, ये को मिला के, एक ही बार में कैलकुलेट कर लेंगे वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड इन टू जितना ए सैक्रीफाइस करेगा फाइव बाई टेन ठीक है फाइव बाई टेन चेक करते हैं कितना होता है वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक शेयर इतना है क्या हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो तुम लोग पहले रिवोल्यूशन का ए का हिस्सा निकाल लो जेएलपी का निकाल लो गुडविल का लेकिन जब मुझे एक ही जैसा ट्रीटमेंट करना है तो हम बार बार अलग अलग क्यों करें ठीक है इसीलिए मैंने एक जगह पे सारी चीजों को दिखा दिया ठीक है अच्छा अब हमें क्या करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला था ठीक है तो हम लोग इस पे जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ पर करते हैं पहला जर्नल एंट्री तो यहाँ पर लिखते हैं जर्नल एंट्री हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे ये देखो ए को कितना मिलेगा सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ऐसे लिखेंगे टू एज कैपिटल क्योंकि ये क्या है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है कितना मिलेगा सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रोवाइड कौन करेगा गेनिंग पार्टनर वो कौन है बी और सी तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट अच्छा तो कितना कितना मिलेगा जितना इनका गेनिंग रेशो है इलेवन इंस टू फोर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मतलब इलेवन बाई फाइव और फोर बाई फाइव चेक करते हैं कितना होता है डिवाइडेड फाइव इलेवन इंस टू फोर इलेवन बाई फाइव नहीं होगा है ना इलेवन बाई फिफ्टीन ठीक है अब ठीक होगा अच्छा यहां पर सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई फिफ्टीन इन टू इलेवन फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटीन थाउजेंड ठीक है एटीन थाउजेंड अच्छा ये देखो ऐसे ही होगा यहां पर भी ऐसे ही किया है तुम लोग को भी ऐसे ही करना है देखो क्या लिखा हुआ है शेयर ऑफ रिवैल्यूशन प्रॉफिट इंक्लूडिंग गुडविल ड्यू टू ए बोर्न बाय बी एंड सी एट गेनिंग रेशियो इलेवन इज टू फोर यही वाला तुम लोग को जर्नल एंट्री लिख देना है तो कैसे लिख सकते हैं बींग रिवैल्युएशन प्रॉफिट सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूड क्या है इंक्लूडिंग जेएलपी प्रीमियम एंड गुडविल ये देखो इंक्लूडिंग गुडविल इंक्लूडिंग गुडविल जिसमें जेएलपी तो हम लोग रिवैल्यूशन का पार्ट मान सकते हैं इंक्लूडिंग गुडविल बोर्न इंक्लूडिंग गुडविल ड्यू टू ए ड्यू टू ए बोर्न बाई बी एंड सी इन इलेवन इज टू फोर रेशियो ठीक है इलेवन इज टू फोर में ये डिस्ट्रीब्यूट इनको किया जाएगा ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग का क्या एंट्री होगा नेक्स्ट हमें क्या करना है हम लोगों को ए को उनका हिस्सा दे देना है तो उसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बना लेना चाहिए जो कि हम यहाँ पर बना लेते हैं ठीक है वर्किंग नोट में क्योंकि हमें तो सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है तो हम यहाँ पर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीन पार्टनर थे ए बी सी बाई बैलेंस बी डी अच्छा ए का कितना था फिफ्टी फोर्टी थर्टी फिफ्टी फोर्टी थर्टी ठीक है अच्छा अब ये जो एंट्री किया था वो लिख लेते हैं बाई बी बाई सी ये जो कंबाइन एंट्री किया था और टू ए अच्छा कितना अमाउंट हुआ फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड और एटीन थाउजेंड और यहां पर भी फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड और एटीन थाउजेंड हो गया अच्छा अब ए को कितना पेमेंट करना पड़ेगा टोटल लगाते हैं पता चल जाएगा फिफ्टी थाउजेंड Plus, ये वाला फाइव हंड्रेड जो कि ये दोनों का टोटल करने पे आता है क्या क्या पूरा पेमेंट होगा देखो क्या बोला है यहाँ पर ऑल्सो दे एग्रीड टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज फिफ्टी परसेंट ऑफ द एज क्लेम ठीक है फिफ्टी परसेंट वो लोग एक क्लेम डिस्चार्ज करेंगे मतलब फिफ्टी परसेंट पेमेंट कर देंगे तो टू कैश बोल के इसका फिफ्टी परसेंट यानी डिवाइडेड बाई टू 58,750 पेमेंट करेंगे तो बाकी का क्या करेंगे लोन करेंगे कुछ नहीं बोल रहा है तो टू एज लोन बाकी कितना होगा 50 अगर 58,750 है आधा तो बाकी आधा भी उतना ही हुआ ना तो यहाँ पर टू बैलेंस सी डी ए का तो कुछ नहीं होगा बाकी बी सी का निकल जाएगा वो हम लोग बाद में निकाल लेते हैं पहले ये एंट्री कर लेते कैश और एज लोन ठीक है तो एंट्री क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट Is capital account debit to cash to is loan one lakh seventeen thousand five hundred fifty eight seven fifty fifty eight seven fifty B is account. सेटल बाई पेड फिफ्टी परसेंट एंड टर्न फिफ्टी परसेंट इंटू लोन ठीक है बाकी फिफ्टी परसेंट को लोन में ट्रांसफर कर लिया गया अच्छा अब हमें क्या करना है नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को ये देखना पड़ेगा यहाँ पर देख लेते हैं देखो फिर क्या बोला है कि इनको अपना बैंक बैलेंस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रखना है और इनके कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है ठीक है और प्रोपोर्शनेट uh, करना है तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं जैसे देखो इसके लिए एक वर्किंग नोट चाहिए होगा तो मुझे लगता है मुझे और एक पेज रखना चाहिए था चलो कोई बात नहीं यहाँ पर हो जाएगा तो पहले हम लोग एक काम करते हैं अगर हमें कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है तो हम लोग ये चेक करेंगे एक वर्किंग नोट बनेगा ठीक है हम ना यहाँ पर पीछे बनाते हैं तो मुझे जगह नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर बना रहे वर्किंग नोट नंबर फोर ठीक है हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल आफ्टर इज रिटायरमेंट इनका कैपिटल कितना होगा ठीक है तो कैपिटल कितना होगा कैसे पता चलेगा पार्टनर तो दो ही रहेंगे एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा सी ठीक है पार्टनर तो दो ही रहेंगे एक हो जाएगा बी एक हो जाएगा सी तो यहाँ पर लिखते हैं बीस कैपिटल सीस कैपिटल देखते हैं दोनों का कैपिटल कितना बन रहा है रिटायरमेंट के बाद कैसे पता चलेगा यहाँ पर क्लोज करो ना पता चल जाएगा ठीक है ये हो गया फोर्टी थाउजेंड पर फोर्टी है अच्छा तो इसका मतलब ये नेगेटिव में आएगा यहां पर हो गया फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई सीडी रिटायरमेंट के बाद ए का 9,500 का नेगेटिव कैपिटल आया बी का यहाँ 30,000 है ये पॉजिटिव आएगा इनका और ये हो जाएगा यहाँ पर बैलेंस करने पे 30 से 18,000 माइनस करने से हो जाता है 12,000 ठीक है इनका 12,000 हो जाएगा अच्छा 12,000 हो रहा है हाँ तो यहां पर लिखते हैं ये ट्वेल्व थाउजेंड बी का कैपिटल हो जाएगा नेगेटिव में नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सी का हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड ये इनका कैपिटल होगा और इनको क्या करना है इनको देखो ये इतना कैपिटल इनका हो रहा है प्लस इनके क्या करना है ए का अमाउंट डिस्चार्ज करने के लिए अमाउंट लेके आना है ये देखो ऑल्सो फिफ्टी परसेंट ऑफ द एस क्लेम एक ए क्लेम को पे करने के लिए वो लोग पैसा लेके आएंगे उनके पास सफिशियंट पैसा नहीं है ऊपर से बैंक बैलेंस को भी इनको ट्वेंटी बनाना है मतलब ये बैंक बैलेंस तो ये लोग टच नहीं कर रहे जो भी एक को देना है वो लेके आएंगे तो यहाँ पर एड करेंगे ठीक है हम बताते हैं क्यों ऐड हो रहा है 58, ये लिखो हम बताते, फिर क्या होगा? और बैंक का बैलेंस इनको क्या बनाना है बैंक का बैलेंस इनको टेन थाउजेंड से ट्वेंटी फाइव करना है मतलब और भी फिफ्टीन थाउजेंड इनको लेके आना है एक बार टोटल करते फिर लॉजिक बताते हैं कि ये ऐसा मैंने क्यों किया तो यहाँ पर देखो ट्वेल्व थाउजेंड प्लस फिफ्टी एट सेवन हंड्रेड फिफ्टी प्लस फिफ्टीन थाउजेंड माइनस नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो यहाँ पर हो जाता है 76, 250, जो नया कैपिटल होगा होगा वो कुछ इतना और ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये नया कैपिटल हो गया ये बी और सी का नया कैपिटल हो गया प्रोपोर्शनेट यानी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि टू इंस टू वन है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर लॉजिक भी बता देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी थ्री फिफ्टी और ये हो गया 16 आ, नहीं ये शायद कुछ गलत कैलकुलेशन हो रहा है 76 250 डिवाइडेड बाय 3 अच्छा ये आ रहा है 25416.6 25 416.6 25, मतलब इसको 7 लिख देते हैं ताकि ये जीरो हो जाए ठीक है नहीं पीछे 3 है ना ये 3 है ये 7 है तो ऐसा हो गया तो ये इनका कैपिटल हो गया आप बात समझो कि हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल आफ्टर एज रिटायरमेंट ये कैसे कैलकुलेट किया किसी भी बैलेंस शीट अगर कोई भी बैलेंस शीट दिया हुआ हो जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लो ठीक है ये वाले क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट है ठीक है ये बैलेंस शीट दिया हुआ है इसका कैपिटल का मतलब क्या होता है टोटल एसेट से अगर हम लोग लायबिलिटी कोई भी बैलेंस uh, शीट का कैपिटल कैसे निकालते हैं टोटल एसेट से अगर हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी को हटा देते हैं तो जो बचता है वो कैपिटल बचता है ठीक है अब नया जो बैलेंस शीट होगा उसमें बोल रहा है कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए एज इट इज रहेगा ठीक है तो लेकिन क्योंकि ए चला जा रहा है तो कैपिटल में चेंजेस होगा मतलब एसेट लाइबिलिटी एज इट इज रहेगा तो फिक्स्ड एसेट भी यही रहेगा इन्वेंट्रीज भी यही रहेगा ट्रेड रिसीवेबल भी यही रहेगा जेएलपी का जो है उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने दे दिया है अनऑल्टर्ड होने पे क्या होगा ठीक है इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि इनका कैपिटल कितना होगा तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया दोनों पार्टनर का यहां पर मैंने ये देखा कि बी और सी का कैपिटल ए के रिटायरमेंट के बाद कुछ इतना दिख रहा है ठीक है अब इनको अगर पैसा लेके आना है ए का पे, पेमेंट करने के लिए तो ये फिफ्टी एट सेवन हंड्रेड फिफ्टी लेके आएंगे मतलब इनका अमाउंट क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैश टू कैपिटल अब ये कैपिटल ही अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे बी और सी मिल इतना ला रहे कौन से रेशियो में ला रहे हैं अलग अलग ये सब कुछ हमें करने का जरूरत नहीं लेकिन कैश टू कैपिटल तो हो रहा है तो इसीलिए यह कैपिटल में एड हुआ और फिर से फिफ्टीन में लाना है

थर्ड नंबर एंट्री यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू अच्छा चेक भी तो करना पड़ेगा कितना कितना होगा थोड़ा सा यहां पर मेरा जगह शॉर्ट हो रहा है यहाँ पर देखो हम लोग का ये ऐसे कर सकते हैं इधर इधर इसको ना इंक्रीज कर लेते हैं ये देखो बी और सी ए हटा ही दिया मैंने ठीक है ये जो है क्लोजिंग बैलेंस इसे ब्रॉड डाउन करेंगे देखो ये बाई बैलेंस बी सी डी है ना तो इसे करेंगे टू बैलेंस बी डी बी का कितना है नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इधर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी ठीक है ये सी का कितना है सी का है देखो ट्वेल्थ थाउजेंड यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर लिया लेकिन इनका कैपिटल होना कितना चाहिए टू बैलेंस सीडी हम दिखाते हैं इनका कैपिटल होना कितना चाहिए अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5833 और 25417 ये रहा 5833 5833 ठीक है और 5833 uh, और 10, uh, 25417 25417 ठीक है अच्छा तो इसका मतलब बी को कितना और एडिशनल कैश लाना पड़ेगा तो बाय कैश बोल के एंट्री कर देते हैं ये देखो चेक करते हैं 58 33 करना पड़ेगा इनका तो पहले से ही नेगेटिव हुआ है तो इनको ये कैश तो लाना ही है प्लस 9500 मतलब 60333 इनको कैश लाना पड़ेगा तब जाके इनका कैपिटल 5833 होगा लॉजिकली सोच के देखो पहले तो इनका नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव करने के लिए मतलब जीरो बनाना पड़ेगा ना नेगेटिव नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैपिटल है तो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लाओ तो ये जीरो हो गया और कैपिटल फिफ्टी एट थर्टी थ्री बनाने के लिए थर्टी थ्री लाओ, तो लाओ अच्छा इनका कैपिटल होना चाहिए ट्वेंटी फाइव फोर हंड्रेड सेवेंटीन ठीक है ट्वेंटी फाइव फोर हंड्रेड सेवेंटीन इनका पहले से ट्वेल्व थाउजेंड है तो इनको और कितना लाना पड़ेगा थर्टीन फोर वन सेवन थर्टीन फोर वन सेवन ये इतना इनको लाना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव फोर हंड्रेड सेवनटीन ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर मेरा जगह कम हुआ इसीलिए मैंने कर दिया तुम लोग को दिख रहा होगा देखो कुछ नहीं ब्रॉड डाउन करके अगर हम लोग प्रोपोर्शनेट अमाउंट लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कितना अमाउंट लाना है ठीक है तो ये एंट्री हो गया कैश टू बी टू सी ठीक है यहाँ पर लिखेंगे कैश टू बी कैपिटल टू सीज कैपिटल ठीक है तो कितना है सिक्सटी थाउजेंड एक तो है ये है थर्टीन फोर वन सेवन लास्ट वाला और सिक्सटी थ्री 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 एड कर लेते हैं सेवेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी सेवेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ये हो गया बीइंग नेसेसरी अमाउंट बीइंग नेसेसरी कैश प्रॉट बाई बी एंड सी ठीक है बी एंड सी को कितना कैश लाना पड़ेगा बस हमें ये तीन ही एंट्री करना था हमें बस इतना ही एंट्री करने के लिए जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया था हम एक बार दिखा देते हैं ये देखो सिर्फ जर्नल एंट्री एंट्री तीन ही एंट्री होगा लेकिन क्वेश्चन अलग था मैंने काफी सारा चीज बोला बोल के टाइम लगा अगर इतने सारे चीज नहीं बोलने होते तो टाइम नहीं लगता एक्चुअली यहाँ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन नहीं चलेगा इसी वजह से हम एक बार फिर से इसे रिपीट कर देते हैं क्या करना है हमें कैसे भी हमारा किसी भी तरह से प्रॉफिट या लॉस आ रहा हो चाहे वो एसेट का रिवेल्यूशन हो जेएलपी में चेंजेस हो या फिर गुडविल का बात हो ठीक है सारे चीजों को नेट करके हम लोग गेनिंग और सैक्रीफाइसिंग रेशियो में इसे कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है तो यहां पर हम लोगों का थर्टी फाइव है जिसमें से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनका शेयर मिलना चाहिए सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड डेगा कॉन गेनिंग पार्टनर बीसी गेनिंग रेशियो में तो एंट्री कर दिया हम लोगों ने ठीक है उसके बाद हम लोगों ने ये चेक किया एक रफ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के देखो ये हमें सोल्यू

1500 नेगेटिव ठीक है अब अगर हमें ये देखना है कि इनका टोटल कैपिटल कितना होगा तो ये, इनका टोटल ये तो हो रहा है लेकिन पहले से टेन था तो फिफ्टीन थाउजेंड कर दिया हम लोगों ने तो इनका कैपिटल इतना बन जाएगा इसको प्रोपोर्शनेट करना है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका कंटिन्यूंग होगा आगे टू उसमें प्रोपोर्शनेट कर दिया अब ये कैपिटल इनको रखना है अपना ठीक है तो अगर ये कैपिटल रखना है तो एडजस्ट करते हुए हमें पता चल गया दोनों को कैश लाना पड़ेगा बी को इतना सी को इतना और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है ठीक है ये फर्स्ट टाइम किया हम लोगों ने ऐसा इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा अच्छा अब ये छोटा सा पॉइंट बताएंगे सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या होता है ठीक है जैसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है इंस्टेड ऑफ लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली ऑन द नेम ऑफ द ऑल पार्टनर ऑल द पार्टनर में टेक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी फॉर ईच ऑफ देम पेइंग द प्रीमियम फ्रॉम द फॉर्म मतलब देखो तीन पार्टनर है सोना गब्बू और अमित ठीक है तीनों ने एक पॉलिसी नहीं लेके मतलब एक पॉलिसी में तीनों का नाम होगा ऐसा नहीं करके तीनों ने अपने अपने नाम पे अलग अलग पॉलिसी लिया है सोना ने एक लाख का लिया है गब्बू ने दो लाख का लिया है अमित ने तीन लाख का लिया है और इसका प्रीमियम कहा से भरते हैं बिजनेस से ही भरते हैं ठीक है मतलब ये भी पार्टनरशिप फॉर्म से भरते हैं ये भी मतलब कोई पर्सनल खर्चा नहीं है तब तो वो ड्रॉइंग कहलाएगा फिर यहाँ पर तो ट्रीटमेंट ही नहीं होगा ये सब पैसा जो भी प्रीमियम का पैसा होता है बताया नहीं है कितना वो सब कहा से भरा जाता है बिजनेस से इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट अगर रिटायरमेंट होगा तो क्या मिलेगा सरेंडर वैल्यू लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे होगा द रिटायर्ड पार्टनर इज फॉर द अमाउंट ऑफ ऑफ द लाइफ पॉलिसीज ऑल पार्टनर ठीक है क्या होगा जो रिटायर करेगा पार्टनर जैसे यहाँ पर बोला है अमित रिटायर ये रिटायर कर रहे हैं तो इनको क्या मिलेगा क्योंकि देखो इनका पॉलिसी कंटिन्यू होगा क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट लिया है तो इनके नाम का पॉलिसी बंद हो जाएगा तो इनको मिलेगा क्या एंटाइटल फॉर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द लाइफ पॉलिसीज ऑफ ऑल पार्टनर हर एक पार्टनर का जो लाइफ पॉलिसी का वैल्यू मिलने वाला है उसका प्रोपोर्शनेट तो रिटायरमेंट में तो सरेंडर वैल्यू मिलता है तो अमित का थर्टी थाउजेंड गब्बू का ट्वेंटी टेन ठीक है मतलब सिर्फ इनका थर्टी थाउजेंड इनको पूरा मिल गया ऐसा नहीं होगा इनको कितना मिलेगा सारे पार्टनर का जो सरेंडर वैल्यू है दैट इज टेन ट्वेंटी थर्टी मतलब सिक्सटी थाउजेंड इसका इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा अमित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वन बाई फाइव ठीक है तो प्रोपोर्शनेटली ट्वेल्व थाउजेंड इन्हें मिलेगा ठीक है ऐसा छोटा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है नॉर्मली सेपरेट लाइफ पॉलिसी बहुत ही कम देता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी में हमें यह देखना होता है कि अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो ये और अगर मान लो अमित का डेथ हो जाता फॉर एग्जाम्पल तो उसे उसका तीन लाख मिल जाता ठीक है उसे उसका तीन लाख मिल जाएगा अगर डेथ हो जाता है लेकिन अगर रिटायरमेंट होता है तो क्या मिलेगा सिर्फ अपना ही सरेंडर वैल्यू थर्टी पूरा नहीं मिलेगा सभी का सरेंडर वैल्यू क्यों इसका लॉजिक सोचो क्यों क्योंकि ये थर्टी थाउजेंड इसे पूरा नहीं मिलेगा ये अपने खर्चे से अपने पॉकेट से थोड़ी ना भरता था प्रीमियम जिसके अगेंस्ट में इसे सरेंडर वैल्यू कब मिलता है जब हम लोग प्रीमियम भरते हैं अगर हम लोग पहले साल प्रीमियम भरे मान लो सरेंडर वैल्यू जीरो था दूसरे साल प्रीमियम ही नहीं भरा तो सरेंडर वैल्यू थोड़ी ना मिलेगा तो ये इन्होंने जो सरेंडर वैल्यू इन्हें मिल रहा है आज क्यों मिल रहा है क्योंकि इन्होंने प्रीमियम क्योंकि बिजनेस से भरा बिजनेस तो तीनों चला रहे थे तो इसीलिए तीनों का सरेंडर वैल्यू का प्रोपोर्शनेट इन्हें मिलेगा ठीक है ये लॉजिक है तो यहां पर इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कितना मिलेगा तीनों का सरेंडर वैल्यू का प्रोपोर्शनेट जो है इन्हें मिलेगा इसके बाद का इलास्ट्रेशन टेन हम लोग का किया हुआ है इलेवन भी यहाँ पर uh, 10 टेन इलेवन ये सब हम लोग का हो गया था ठीक है हम लोग का तो सिर्फ जेल भी बाकी था तो वो हम लोग कर रहे थे अब एक चीज बता देते है यहाँ से यहाँ पर एमसीक्यू में हम लोग का दो क्वेश्चन था जेएलपी से रिलेटेड और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन है जो जेएलपी से रिलेटेड है तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन है ये हम तुम लोग को होमवर्क में देंगे करने के लिए लेकिन इसमें एक चीज बता देते हैं यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में कोई जेएलपी नहीं दिख रहा है तो ये ट्रीटमेंट क्या हो जाता है जेएलपी एज एन एक्सपेंस का ठीक है ये एसेट या लाइबिलिटी का नहीं होगा अगर होता तो ये एसेट साइड में हमें जेएलपी दिखना चाहिए था जो कि नहीं दिख रहा है ना तो लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है ना तो ये एसेट लाइबिलिटी वाला केस है ना तो, वाला है, ना तो एसेट वाला केस है, तो ये जेल पे एज एन एक्सपेंस वाला केस है तो ये तुम लोग जो है अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हो कि क्या होगा बस तो छोटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं कि उसका आंसर क्या होगा क्योंकि आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो इसी के साथ इसीलिए बता रहे ताकि तुम लोग का कांसेप्ट और भी क्लियर हो जाए ठीक है 2 सेकंड लगेगा ज्यादा नहीं लगेगा दो क्वेश्चन है क्वेश्चन एक ही है बस दो अलग अलग तरीके से मैं आंसर देना है एबीसी टेक्स ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आफ्टर फाइव इयर्स बी रिटायर फ्रॉम द फर्म एबीसी ने जेएलपी मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया था और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेने के बाद पांच साल बाद जो है बी पार्टनर भी रिटायर हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है टू टू वन आफ्टर रिटायरमेंट ए सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली रिटायरमेंट के बाद ए सी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और इक्वली प्रॉफिट शेयर करना चाहते दे सरेंडर मतलब उन्होंने जब मतलब तीनों पार्टनर थे तो इन्होंने कितने का जेल पे लिया था टू लैक फिफ्टी जिसका सरेंडर वैल्यू ऑन दैट मोमेंट फिफ्टी थाउजेंड दिख रहा था ठीक है जब बी ने रिटायरमेंट लिया व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिसीविंग जेएलपी कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट मतलब कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे जब जेएलपी का सरेंडर वैल्यू रिसीव होगा इफ जॉइंट लाइफ प्रीमियम इज चार्ज टू रेवेन्यू एज एंड वेन पेड ठीक है तो जब जब जेएलपी किया जाता है तब तब हम लोग उसे अगर ट्रीट करते हैं रेवेन्यू के तरह जैसे रेवेन्यू इनकम भी होता है तो फिफ्टी तो जो मिलेगा वो हम लोग तीनों पार्टनर में यहाँ पर तो कुछ देखना ही नहीं है ब्लॉक वगैरह ठीक है जो मिलेगा वो तीनों पार्टनर या फिर जितने भी पार्टनर रहेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो फिफ्टी 1000 क्रेडिटेड टू ऑल ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑप्शन ए होगा ठीक है 250 तो मिलेगा नहीं रिटायरमेंट हो रहा है और 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो हो ही नहीं सकता है ठीक है क्योंकि पहला बात है अगर ये कोई भी केस हो मिल तो 50000 रहा है ना तो 50000 ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है दूसरा यहां पर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा है. ट्रीटमेंट क्या करने बोला है व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिसीविंग जेएलपी अमाउंट इफ जेएलपी पॉलिसी इज सरेंडर वैल्यू मतलब जेएलपी एज एन एसेट ठीक है तो इसका मतलब सरेंडर वैल्यू अगर 50,000 दिख रहा है तो 50,000 जो है ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 50,000 तक रिटायरमेंट हुआ है फिफ्टी तो थाउजेंड ही मिलेगा लेकिन फिफ्टी थाउजेंड तो ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं मतलब ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब हमें और कोई ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है बैंक अकाउंट डेबिट तो जेल पर लिख देंगे लेकिन फिफ्टी थाउजेंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब जब हम लोग इसे ब्लॉक करते हैं क्योंकि हम लोग एक्सपेंसिस को उतने से कम करके दिखाते हैं तो नो ट्रीटमेंट इज नीडेड ये देखो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड यानी ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा नहीं तो डुअल इफेक्ट हो जाएगा ना अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आंसर हो जाएगा नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड ठीक है अच्छा और यहाँ पर बाकी सारे हमारे किए हुए हैं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन जो है ये हम तुम लोग को होमवर्क में देते हैं ठीक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन ये तुम लोग को होमवर्क में देते हैं ये हम लोग का बाकी रह जेल पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये तो हम करवाएंगे उसके साथ हम लोग का जो है डेथ वाला स्टार्ट हो जाएगा तो डेथ और रिटायरमेंट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा एक दो नया पॉइंट आएगा वो बता देंगे लेकिन जेल पे का लास्ट दो क्लास से हम लोगों ने जो भी किया उसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से फिर से कर लो नहीं तो प्रॉब्लम होगा बिकॉज रिटायरमेंट डेथ के केस में भी जेल पे आ सकता है ठीक है तो आज हम लोग इतना ही करते हैं लेकिन तुम लोग इसको एक बार गोथ्रू जरूर करना और अगर कुछ क्वेरीज होगा तो मुझे बता दे ठीक है फिर आज इतना ही करते